वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड. आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, बट उसी के साथ साथ वी हैव टू को होस्ट विद मी, पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में पॉडकास्ट स्टार्ट किया, द पायनियर ऑफ पॉडकास्ट इन पाकिस्तान. जुनेद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं एज अ को होस्ट, एंड उसी के साथ साथ तला अहद, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क. और इसके साथ साथ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द गेस्ट, हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. मैं चाहूँगा कि जुनैद भाई आप स्टार्ट करें विद क्वेश्चन. सलाम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. खान साहब, हम ट्रेडिशनल सवालों पे तो आएंगे, लेकिन आई एम गोना स्टार्ट विद समथिंग जो कि मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं देखा किसी ने आपसे पूछा हो, एंड इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई मीन, यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्व्स. आपने माशाल्लाह स्पोर्ट्स में इतने साल दिए, फिर आपकी अपनी 25 साल की जद्दोजहद है पोलिटिकल. We've seen you and we people idolize you for your strength. But at the end of the day, you're a human being. And jo bhi recent developments hue hain, it must have disappointed you in some way or the other. How are you feeling emotionally about this? Dekhiye Junaid, pehle sab ke liye, because you know, mera 70 saal ka almost ho gaya hum. To aap sab jo youth hai is mulk ki, jo future hai, उसको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करनी है कि देखें, जो ज़िंदगी है ना, वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती. कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम ज़ीरो से एकदम कामयाब हो गया. वो एक साइकिल्स में जाता है. ऊंच नीच ज़िंदगी का नाम है, और जितना आप ऊपर को एम करेंगे, उतनी आपको डाउन साइड ज़िंदगी में आएंगे, बुरे वक्त आएंगे. जितना आप ऊपर जाएंगे, गिरेंगे भी आप काफ़ी. सो देखिए, एक ये जो आपकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव की हो, और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक बड़ा एक ऐसा कीमती सबक आपको सिखाती है जो शायद और कोई चीज़ नहीं सिखाती. और वो क्या है? हार जीत. आपको हारने के भी डायनामिक समझ आते हैं, आप जीतने के भी को समझ आते हैं कि जीत परमानेंट नहीं है. वो थोड़ी देर अगर आपने मेहनत ना की तो फिर आप नीचे आ जाएंगे. तो ये जो साइकिल है, ये एक मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई है जो किसी पॉलिटिशियन की वो ट्रेनिंग नहीं है. कोई पॉलिटिशियन ने 20 साल खेलों की ग्राउंडों में हार जीत नहीं देखी. सो किसी ने पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में स्वाय कायदे आज़म के 22 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे ऑपोजिशन में नहीं है, किसी ने नहीं गुजारे, और मुश्किल वक्त में. सो देखें, ये मेरी बड़ी मिक्स फीलिंग्स है इस पर, ये जो हुआ है. एक के इतनी बड़ी बाहर की साजिश हुई, और वो साजिश के को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान में जो मीर जाफर और मीर सादिक, उन्होंने पूरा साथ दिया उनका, और सब ने मिल के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जो 22 करोड़ लोगों की इलेक्टेड जो रिप्रेजेंट करती थी. और वो गिराया बाहर की साजिश क्यों थी? इस हमारी क्या कसूर था कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे. देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब एंटी अमेरिकन नहीं है. मैं कभी भी, बल्कि मैं तो एंटी इंडियन भी नहीं हूँ. मैं तो बीजेपी और आरएसएस की जो रेसिस्ट पॉलिसी और जो कश्मीर में इन्होंने किया है, उसके खिलाफ हूँ. लेकिन इंडिया में हर किस्म की सोच है, मेरी दोस्तियाँ भी बड़ी हैं, अमेरिका भी वैसा ही है. ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे. बिल्कुल. लेकिन ये जो इन्होंने किया है, सिर्फ इन्होंने इसलिए किया कि मैं वो पॉलिसीज चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती भी अमेरिका से रहे, लेकिन जो हमारे लोगों के मफादात हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ. मेरी नंबर वन प्रायोरिटी 22 करोड़ पाकिस्तानी है. वो ये चाहते थे कि हम रूस की ट्रिप भी कैंसिल करें, रूस के साथ कोई हम ट्रेड भी ना करें, चाइना के साथ अपने कॉन्टैक्ट लिमिट करें अपनी रिलेशनशिप, और फिर यहाँ बेसिस भी वो मांग रहे हैं. वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को यहाँ से अगर उन्होंने जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकना है तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए. मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को कभी किसी और की जंग और कॉन्फ्लिक्ट में कभी हमें शामिल नहीं होना चाहिए. हमें अमन में होना चाहिए, जंग में नहीं होना चाहिए. तो ये उनके, वो उन्होंने अपने ही इंटरेस्ट समझे कि मेरे होते हुए वो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह वॉर ऑन टेरर में उन्होंने हमें इस्तेमाल किया. 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उनकी जंग लड़ते हुए.
पाकिस्तान को बुरा भला भी कहा गया। सो ये थी नंबर वन चीज़ जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी साजिश की। उनको मिल गए यहाँ रिसेप्टिव लोग, और उन लोगों के अंदर वो थे जिन्होंने, और ये बाय द वे ये मॉडल अगर बड़ा अगर आप फॉलो करें जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को ईरान में गिराया था, तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ें थी। पहले उन्होंने पैसे चलाए मीडिया पे, उसको बुरा भला किया, फिर उन्होंने मुसद्दिक की जो पार्टी के अंदर पॉलिटिशियंस थे उनको खरीदा, फिर जो अपोजिशन थी उसे डेमोन्स्ट्रेशन करवाएं, जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च वगैरह की, वो वही मॉडल था। और इवेंचुअली फिर पहले साजिश हुई और फिर मुदाखलत की। लेकिन जो मुझे खुशी हुई वो अब ये मैंने मिक्स फीलिंग्स का, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को इस तरह इकट्ठे होते नहीं देखा। जो अमूमन यहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि कौम, मैं ख़ुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इस तरह निकलेगी जिस तरह वो सड़कों पर निकली। जो जलसे 10 दिनों में 3 बड़े शहरों के अंदर रिकॉर्ड जलसे हुए और पब्लिक खुद चल के आई, तो एक तरह मुझे खुशी ये है कि मैं अब देख रहा हूँ कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम कौम नहीं बने, हम बटे हुए हैं लोगों में, हिस्सों में, फ़िरकों में, सूबों में, लसानियत के तौर पर कि जी मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग वगैरह। इसके अंदर मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इस सारी कौम के अंदर एक गुस्सा आया, और सारी कौम ने यह फील किया कि एक तो उन्होंने हमारे मुल्क में मुदाखलत करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कराया, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को गुस्सा है कि इसके करप्ट तरीन लोग जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे थे, जिनके ऊपर केसेस थे, 60% लोग जमानत पे हैं कैबिनेट जो जिनको उन्होंने मुसलत किया, जो शरीफ ख़ानदान है वो या जमानत पे है या कन्विक्टेड है, उनको ऊपर मसलत कर दिया। तो ये डबल गुस्सा है लोगों को कि एक तो उनकी बाहर से अमेरिका ने जो मुदाखलत की, दूसरा ये चोर मुसलत कर दिया, और तीसरा जो पॉलिटिकल लोगों ने अपने आप को बेचा, यानी 20-25 करोड़ रुपये बेच के जिन्होंने जाके गवर्नमेंट गिराई, अभी तक कोई अदालत ने उनके केस एक्शन नहीं लिया। देखिए ना, अदालत ने सो मोटो एक्शन भी ले लिया, 12 बजे अदालतें भी खोल दी, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को बेचा उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसकी वजह से मुझे जो मैं जो देख रहा हूँ मोमेंटम, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में। तो मिक्स फीलिंग्स, एक तरफ मायूसी और दूसरी तरफ खुशी कि शायद उसकी वजह से एक वो पाकिस्तान बन रहा है जो कायद आजम का पाकिस्तान, जो अल्लामा इकबाल ने सोचा था पाकिस्तान का। सो यू सीइंग दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज व्हाटएवर हैपेंड? मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अब अगला पाकिस्तान का फेज आ रहा है, और बाय द वे इसके अंदर ये जो चेंज आया है, इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया। आपने देखा हो हमारे ज़माने में कहते थे जी मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, इस बार ही क्लैम डाउन किया मीडिया में, सिवाय 1-2 चैनल्स के, और उनको हम सलाम करते हैं, इन्होंने मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल किया। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया की वजह से इतना शऊर है, कौम इतनी बेदार हो चुकी है कि आपने देखा कि ये मोमेंटम बिल्ड, और जब इंशाल्लाह मैं ये इस्लामाबाद हकीकी आज़ादी मार्च की डेट दूंगा, मेरी एक कंटेंशन है, मेरी एक एक्सपीरियंस है 26 साल का पॉलिटिक्स में, कि ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में पब्लिक निकलेगी। सो जस्ट एडिंग टू व्हाट जुनेद साहब सेड, के हाउ डू यू फील अबाउट JKT एंड अलीम खान? शुरू में आपके साथ बहुत क्लोजली उन्होंने सपोर्ट किया एट दैट टाइम जब बिल्कुल PTI यू नो डेवलप हो रही थी, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको आने में किया, और सडनली इस मौके के ऊपर दे हैव चेंज द साइड्स, और अभी यू नो मुलाकातें भी हुई, सो वो विजुअल्स देख के व्हाट वाज योर फीलिंग? देखिए दोनों की कंट्रीब्यूशन बड़ी थी। दोनों आज से 11 साल पहले पार्टी के अंदर आए थे, पार्टी याद रखें 26 साल से चल रही थी। तो जब पार्टी उठी, जब हमारा मीनार पाकिस्तान में 30 अक्टूबर 2011 को एकदम एक्सप्लोड की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में PTI, तो दोनों उसके बाद ज्वाइन किया, और दोनों ने मेहनत भी की। जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई उनके ऊपर वो ये कि उन्होंने मेहनत की, लेकिन क्या मेहनत की उस आइडियल के लिए जिसकी वजह से मैं 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था। मेरी पाकिस्तान में एक वो आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, मैं तो पॉलिटिक्स में एक आइडियलिज्म लेके आया था कि हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है,
जो एक फलाई रियासत बनेगी जिधर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून के सामने सब एक बराबर होंगे, क्या उनके वही आइडियल्स थे? और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि उनका और मकसद था वो पावर में आने का, वो उनका वो आइडियल नहीं था जो मेरा था। मेरे ख्याल में वो पावर में वो, और वो फिर वाज़े भी हो गया, क्योंकि अगर उनका वो आइडियल होता तो वो आज उन लोगों के साथ ना खड़े होते जिनको मैं 26 साल से कह रहा हूँ कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू है। मैं तो बल्कि चोरों की वजह से तो आया था पॉलिटिक्स में, मैंने तो पहले दिन से करप्शन को मेन इशू उठा के इन दोनों जो फैमिलीज है जो लूट रही थी मुल्क को, इनके खिलाफ आया था। अगर आज वो उनके साथ चले गए हैं तो इसका मतलब कि उनका ये तो आइडियल नहीं था रूल ऑफ लॉ, इंसाफ की तहरीक जो थी, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। मेरे ख्याल में वो भी जब उनका ये नहीं था, वो भी समझते थे कि पावर में आके तो वो पावर की प्रिविलेजेस उन्होंने इस्तेमाल करनी थी। देखें, पावर में आके पैसा मेरी अगर बिजनेस हो, मैं पावर में आके तो बड़े आराम से पैसे बना सकता हूँ, मैं हर तरह प्रिवेल कर सकता हूँ। मैं अगर मैं रियल इस्टेट में हूँ तो मैं इलीगल ज़मीन को अब पावर में आके लीगल करवा सकता हूँ, ग्रीन को ग्रे करवा के अरबों रुपया बना सकता हूँ, मेरे तो बड़ा आसान है। आज अगर मसलन मलिक रियाज पावर में आ जाएं तो मलिक रियाज तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, क्योंकि पावर में तो आपके पास सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो बिज़नेस अगर आपने करनी है तो आप अलहदा रहे। मेरी नज़र में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो एक हायर आइडियल के लिए आए। मैं नहीं अभी अपने लिए बना सकता था, नवाज शरीफ ने जितनी देर मैंने प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, नवाज शरीफ तब तक 18 फैक्ट्रियां बना चुका था, नेशनलाइज बैंक से पैसे लेके फैक्ट्रियां बनाई और फिर वो कर्ज़े माफ़ करवा लिए। तो ये तो चोरी है, ये एक बिज़नेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो पावर में आए, और इंशाल्लाह अब जिसको मैं टिकट दूंगा अपनी पार्टी के अंदर, मैं उससे पहले प्लेज लूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं पावर में ना आए। अगर आप पावर में आते हैं तो ये ना समझना कि मैं आपकी बिजनेस को फायदा करवाऊंगा इलीगली। तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें ऊपर गईं तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोराज पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं इसका अगर जूम इन करूँ, ज़ाहिर आपने एक बड़े लेवल पे तो आपने कहा कि फॉरेन कंस्पिरेसी और एक ये कि बाहर की साजिश है जिसके अंदर जो है वो दूसरे मुल्क मुलव्वस हैं। अगर मैं लेकिन थोड़ा जूम इन करूँ पॉलिटिशियंस को, चले आई अंडरस्टैंड आपकी पॉलिटिक्स भी रही है कि पॉलिटिशियंस हैव बीन करप्ट इन पाकिस्तान एंड इट्स ईजिली बिलीवेबल एज वेल, बट देन वी सॉ के इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने देखा रात को अदालत भी खुली, हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी। हम ट्विटर पर जाते हैं तो पीपल आर वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशन दीज डेज। आपका उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूँ कि जूम इन करके हाउ डू यू फील अबाउट द जुडिशरी एंड द इस्टेब्लिशमेंट जो कन्वेंशनल स्टेटस को कंसिडर होती है? देखिए, मैं बड़ा कॉन्शियस एक चीज़ का हूँ कि ये मुल्क ने जब, और मेरे में कोई शक नहीं कि ये मुल्क ने बड़ा अजीम मुल्क बनना है। मैं आप ये कहेंगे कि 3.5 साल में मैंने रह के क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको छोटा सा भी 5% भी हम नहीं पहुंच रहे उसके ऊपर, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत है। अल्लाह ने बड़ी जिधर देखे हैं तो पोटेंशियल है ऊपर आने का, हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान ऊपर आ सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के नीचे नहीं लेके आता। सो जो स्ट्रगल है इस वक्त पाकिस्तान की वो है इंसाफ की। देखिए, कोई भी दुनिया में आप कोई मुल्क ले लें जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ गुर्बत है। कोई मुल्क ले लें, डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला ही रूल ऑफ लॉ ना होने का है। हर डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर उनकी जो रूलिंग एलीट है वो पैसे चोरी करके बाहर, मनी लॉन्डर करके बाहर चली जाती है। जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, सेक्रेटरी जनरल यूएन के नीचे जो पैनल बैठी थी, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स हर साल, 1700 अरब रुपया हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होके मनी लॉन्डर होके अब वेस्टर्न कैपिटल्स में मेफेयर टाइप फ्लैट्स के अंदर ऑफशोर अकाउंट्स में चले जाते हैं। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ये पैसा उधर जब जाता है उनको तो नौकरियां वहाँ मिलती हैं, फ़ायदा होता है।
हमारे मुल्क जिधर से चोरी हो रहा है पैसा वो गरीब हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास वो इंसाफ का निज़ाम नहीं है जो ताकतवर डाकू को पकड़ सके, वो सिर्फ कमज़ोरों को पकड़ता है। और इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब उन एक प्रिविलेज औरत थी कुरैश की औरत, उन्होंने कहा जी इसको सजा ना दें, तो उन्होंने तब कहा था क्योंकि ये तो जब कुरैश की औरत है, इसने जब चोरी की थी, उन्होंने कहा कि कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर को आप जेल में डालें और ताकतवर को आप NRO दे दें, यानी आप छोड़ दें। ये उन्होंने तब कहा था। आज सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इशू ये एक है कि वो ताकतवर वाइट कॉलर क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते, उनका जो स्ट्रक्चर सारा बन गया है वो या पैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं, बच जाते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक्स प्रेसिडेंट को पकड़ने की कोशिश की, वहाँ जनाब उसने लोग सड़कों पर लगाए, कोई 1200 लोग मर गए, वो बाहर फिर रहा है। तो जरूरत उनमें मॉरल अथॉरिटी नहीं होती ताकतवर को पकड़ने की। तो हमारा इशू क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो जब तक उनके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, मिशंस उनकी जब तक उनके अंदर ये जहाद का जज्बा नहीं आएगा कि ताकतवर को जेल में डाले, उनको जब पकड़े, ये इशू ये है पाकिस्तान का। हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन जो कर सकते हैं, मैंने 3.5 साल में क्या देखा। अब हम क्या, अदलिया आज़ाद है, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, नैब आज़ाद है, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो हम क्या करते थे। अब ये शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट के साथ 16 अरब रुपया पकड़ा गया है इसके नौकरों के नाम पर जो FIA ने पकड़ा, हम वो उसको कन्विक्ट ही ना करवा सकें। ये साल पहले इंग्लैंड में होता, अभी तक 15.5 साल पहले ये जेल में होना था। वो कभी उसकी कमर में दर्द है, कभी वो बेंच टूट जाता था, कभी कुछ। हमारा जो जो इंसाफ का निज़ाम था वो पकड़ता ही नहीं था उसको। ये सारों के जो केस हैं, एक मैं मुजम्मल कंप्लीट कर लूँ, 95% जो केसेस हैं नैब के अंदर वो हमारे ज़माने के पहले से हैं। उस 3.5 साल में वो कन्विक्ट नहीं हो सके। सो व्हाट, ये आपको क्या चीज़ सामने आती है, सामने ही आती है कि हमारे इदारों में कैपेबिलिटी नहीं है और विल नहीं है पकड़ने की। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो इस करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। सो हमें जो कोशिश करनी चाहिए, देखें कोशिश जो करनी चाहिए कि इन इदारों के अंदर पब्लिक का प्रेशर आए। देखें अवाम का, मैं सिर्फ एक प्रेशर है, आज अवाम का प्रेशर पड़ा हुआ है, अवाम का प्रेशर आना चाहिए इन इदारों के ऊपर कि आपने ये जो क्रिमिनल्स हमारे ऊपर बैठा दिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, अब इनको पकड़ें। हमने शहरी तो नहीं पकड़ सकते ना उनको, और सबको पता है ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं पैसा, मैं इनसे 26 साल के इनके खिलाफ जहाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं पकड़ सकता ना, पकड़ना तो अदलिया ने है, नैब ने पकड़ना है, हमने तो अपना काम कर दिया था FIA में। अब उनको सारों को NRO 2 मिल गया, पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, अब ये NRO 2 मिल गया इन सबको। डू यू थिंक के, देखें ये तो चले, आई अंडरस्टैंड, आपने कहा कि एक 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 मॉरल वो होती है अपने अंदर, एक सोच होती है जिसके थ्रू ये करेंगे, क्या हम सोच के ऊपर रिलाई करेंगे? डू यू थिंक देयर इज़ अ सिस्टमैटिक चेंज जो कि पोटेंशियली आप लेकर आ सकते हैं, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है या अगेन स्ट्रक्चरल चेंज की बात है, जिसके तहत मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पब्लिक सपोर्ट भी आ जाती है, पब्लिक सपोर्ट इसी तरीके से आएगी कि मे बी यू नो एक अर्ली इलेक्शन की कॉल हो जाती है, उसमें आप पावर में भी आ जाते हैं, अज्यूम करता हूँ कि आप पावर में आ जाते हैं, व्हाट डिफरेंटली कैन यू डू? अगर तो आखिर में इंसाफ का यही निज़ाम है और आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। देखिए जब आप पावर में आते हैं ना अच्छी मेजॉरिटी से, आप कानून चेंज कर सकते हैं, आप कानून वो बदल सकते हैं, हर जो कानून रुकावट बने हुए हैं इनको जो बचाते हैं। जो मैंने सीखा 3.5 साल में, मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर मुझे अगर सही माने में मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मैं पावर में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब इस बार ही हाथ बंधे हुए थे। हर जगह हम जकड़े फंस जाते थे, हमारा इधर से कानून हम लेके आता था, वो सेनेट में फंस जाता था जाके, अच्छा वहाँ आता था हमारे, हम वो कानून ही नहीं बदल सकते थे इनको। अब हम क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हम लेके आए कि जल्दी सिस्टम हो, लेकिन वो हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम उनको इन्फोर्स कर सकते। हमने सिविल प्रोसीजर कोर्ट की कि 1 साल से ज़्यादा ज़मीन का केस नहीं चल सकता, सारे सिविल 1 साल में फैसला होंगे, लेकिन वो हर जगह के स्टे ऑर्डर मिल जाता था। रेगुलेटर्स, मैं आपको मिसाल देता हूँ कितनी फ्रस्ट्रेटिंग थी। अब रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर का मतलब अब ये मसलन शुगर माफिया है, सीमेंट के अंदर कार्टेल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कार्टेल हैं, और इनको प्रोटेक्ट कौन करता है अवाम को इन कार्टेल से? कंपटीशन कमीशन।
कंपटीशन कमीशन का ये हाल था कि 11 सालों से उनके अंदर स्टे ऑर्डर्स फंसे हुए थे, यानी जो ये बड़े कार्टेल्स थे इन्होंने उसी के हाथ बांध दिए थे कंपटीशन कमीशन के, तो वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। 800 स्टे ऑर्डर्स हैं, 8 हमने टॉप रेगुलेटर्स के, जिनका काम है अवाम की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। 8 रेगुलेटर्स के ऊपर 800 स्टे ऑर्डर्स थे, 250 अरब रुपया फंसा हुआ था इधर, वो फैसले नहीं होते थे। तो ये शुगर माफिया के उन्होंने जब इंक्वायरी की इनके ऊपर, वो सारे जाके उन्होंने वो फंसे हुए हैं, वो अदालतों में केस चल रहे हैं। सो हमें जब तक आपके पास पावर ना हो, आते साथ ही लेजिस्लेशन करें, टाइम लिमिट करें, इनको फोर्स करें। और पावर से जब आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपकी गवर्नमेंट को कोई टॉपल कर देगा, जब पावर से आते हैं तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये आपको कहा कि इंशाल्लाह अगर बारी मिली तो पावर से मिले, ताकि हम ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कार्टेल्स माफियाज को टेक ऑन कर सकें। अच्छा खान साहब, आपने ऑब्वियसली यू हैव एन आई फॉर टैलेंट, आपने आपको पता है वसीम अकरम को कब ओवर देना है, वन डाउन पे किसको भेजना है। सो आपके अंदर एक ही चीज़ है, ऑब्वियसली वो लैप्स हुआ जब आप JKT साहब और अलीम खान साहब, आपके पास टाइम भी काफ़ी था टू स्क्रूटिनाइज, बट ऑब्वियसली आई मीन ह्यूमन एरर इज़ अवेलेबल, हो जाता है। अगर अभी आप अर्ली इलेक्शन में जाते हैं, सो डू यू थिंक यू हैव इनफ टाइम 3 महीने में कि आप इस तरह के सच्चे और खरे लोग भी ढूंढ पाएँ, और आपको फिर इलेक्टेबल्स की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि फिर उसके बाद आप दोबारा फिर वैसे ही ब्लैकमेल होंगे जिस तरह अभी इस बार हुआ। तो डू यू थिंक 3 महीने का टाइम इज़ इनफ टू फाइंड दोज कैंडिडेट्स और फिर उनसे प्लेज लेना या उनकी स्क्रूटनाइज करना? देखिए, जो मैं फिर से कहता हूँ, जो 3.5 साल आई मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में सीखा गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, ब्यूरोक्रेसी में पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, क्या हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि की मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और एक्सपर्ट्स जब तक आप पहले ना लेके आए, जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमने जब कोशिश भी की कई एक्सपर्ट्स लाने की, वो एक पूरा माफिया बैठा हुआ था अंदर की मिनिस्ट्रीज़ में, जो उनको अंदर ही नहीं घुसने देता था, वो छोड़ के चले जाते थे। फिर नैब के प्रॉब्लम्स हो गए, नैब के अंदर कई उन्होंने ऐसे केसेस किया कि वो जो बाहर से अब जब स्पेशलिस्ट लाना चाहते थे वो डर के ही नहीं आते थे, क्योंकि नैब के केसेस वो भी अजीब, वो भी एक और प्रॉब्लम था। ये सारी चीज़ों की हमने अब देखा, तो हमें बाहर से कई एरियाज़ में की मिनिस्ट्रीज़ में एक्सपर्ट्स अभी से ही हम वो उनको ढूंढ रहे हैं कि हम जब आएँ तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हो। हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। IT जो है, अब ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये इसके अंदर यानी हिंदुस्तान की 140 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं, और उन्होंने 1 अरब से शुरू हुए थे 20 साल पहले, आज 140 है। हमारा ज़रा हमने आके पहली 75% इंक्रीज़ हमारी IT एक्सपोर्ट्स के हुई हैं हमारे 2 सालों में, सिर्फ हमने रेगुलेशन। लेकिन इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। दुनिया पाकिस्तानी सिलिकन वैली में ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। सो देयरफॉर कई मिनिस्ट्रीज़ में आपको प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स बाहर से लाने पड़ेंगे, अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू, अपने अंदर वो लोगों को हम अभी से सोच रहे हैं टिकट, जो लोगों की कमिटमेंट ही नहीं है, सिर्फ पावर में आते ही सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए हैं, उनको तो हम सफाया करेंगे। अब तो चाहे हार भी जाए इलेक्शन, उनको तो हमने टिकट्स नहीं देने। टिकट्स देंगे वो लोग जो कि कमिटेड हैं, जिनकी कोई आइडियलिज्म है, कम से कम कोर हमारे पास हो जो आइडियलिस्टिक है। वो हमने अभी भी फैसला किया कि हमने टिकट्स उन लोगों को देने हैं। और सबसे बड़ी बात ये, देखें, जब आपके पास और जो हमने चीज़ें सीख ली हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, सही मेजॉरिटी, और आप आराम से पार्लियामेंट को नहीं चला सकते और गवर्न नहीं कर सकते, आप कभी भी रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। जो हमारे पास एक कोलिशन गवर्नमेंट और थोड़ी सी अक्सरियत से थी, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि हम हर वक्त वनरेबल थे कि गवर्नमेंट चलेगी या नहीं। हर बजट के ऊपर हमें मुसीबत पड़ जाती थी कि जी नंबर पूरे होंगे या नहीं होंगे। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है सेनेट के इलेक्शंस का कि वहाँ पैसे चलते हैं। हाँ, ये जो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हम गए, उसने मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेनेट के वोट को वेरीफाइबल कर दो, ताकि ये पैसा ना चले, पता तो चले कि वोट, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है उसमें बिक जाते हैं लोग, उस इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया,
उसने उसको छोड़ दिया. तो हमारा जो सिस्टम बन चुका है ना, वो सिस्टम ही का इनकरेज करता है करप्शन. ये सब चीज़ ख़त्म होगी जब आपके पास अक्सरियत हो, भारी अक्सरियत हो. खान साहब, दूसरा आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब पूरा बयानिया जो पिछले 3-4 साल में हम लोग सुन रहे थे कि पहली दफ़ा फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, और पिछले 3-4 महीने तक भी यही वाली चीज़ थी. सो अचानक आपके ख्याल से कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें फ्लिप हुई हैं? आपको पर्सनली क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ कहा जाता है कि जी वो जनरल फैज़ के ऊपर सारा कुछ कोई बदमजगी हुई है. मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये और वो सारा जे के जी आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान जनरल फैज़ को, ये इधर से शुरू हुआ. देखिए, ये जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ अपना बनाना चाहता था और उसने बनाए भी, और फिर आपको सबको पता है कि क्या हुआ. उसने आर्मी चीफ सैक भी किया, उसने फिर वो जनरल मुशर्रफ का, वो जनरल ज़िया का, उसने उसको अपॉइंट कर दिया, फिर वो कू हो गया. यानी ये जनरल पहले नवाज शरीफ का मसला क्या था, क्यों वो सारा वक्त उसकी आर्मी चीफ से लड़ाई रहती थी? क्योंकि वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था, वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था. वो क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर लिया था. सारे पाकिस्तान के जो इदारे जो उसको चेक कर सकते थे, FBR थी, NAB थी, ये सब उसके कंट्रोल में थे. अदलिया को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था. जब एक चीफ जस्टिस उसके कंट्रोल में नहीं था, तो डंडों से उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जस्टिस सजाद अली शाह के, और फिर पैसे देता था जजेस को. जो क्वेटा बेंच को पैसा चला, वो सारा जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे वो जाके रफीक ताड़ और शहबाज शरीफ ने जाके जज खरीदे क्वेटा के अंदर. ये सारा तारीख का हिस्सा है. उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि फौज एक अदारा था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी कोशिश होती थी अपना आर्मी चीफ बैठाने की, क्योंकि उसका डर ये होता था कि वो एक कंप्लीट पावर चाहता था. और दूसरा, वो जो चोरी कर रहा था पाकिस्तान का पैसा, मनी लॉन्डर करके बाहर भेजता था, वो फौज को पहले पता चल जाता था, क्योंकि ISI के पास सारी रिपोर्ट आ जाती थी. तो उससे वो वनरेबल फील करता था, इसलिए कंट्रोल करता था. मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत की है, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊं. ये मेरा हमेशा फौज का कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए. मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाह रहा हूं. मैंने कभी जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं की. मैंने पुलिस से कभी किसी पुलिस, जितने भी IGs आए पंजाब के, KP के हमारे नीचे, किसी से पूछे, एक को मैंने नहीं कहा इंतकामी कार्रवाई करो, झूठे पेपर्स बनाओ. सिंध के अंदर सबके ऊपर झूठी FIRs है. अभी इन्होंने हमारे ऊपर झूठी FIR फिर बना दी है, पहले इन्होंने बनाई थी. मुझे एक आदमी बताएं जिसके ऊपर हमने कोई झूठी FIR अपने ज़माने, क्योंकि जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं, वो अपने भी करती है. ब्यूरोक्रेसी के कभी इन्हें कोई मुझे कहे कि मैंने ब्यूरोक्रेट को कहा कि तुम गलत काम करो? क्योंकि मुल्क चलते हैं मजबूत इदारों पर. लिहाजा मेरे कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फ़ौज के अंदर इंटरफेयर करूँ. मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था एक के ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की. हम मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफगान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहाँ सिविल वॉर होगी, उसका फॉलोआउट आना था पाकिस्तान के ऊपर. फॉलोआउट फिर भी आया. हमारे कई फौजी, पता नहीं कितने शहीद हुए हैं जब से जो आज़ाद हुए अफगानिस्तान. तो मैं एक मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए. सेकेंडली, मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में. ये जो इन्होंने किया है, ये भी पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गबन कराने का. तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ ना निकल. मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है. मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की. तो यहाँ ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता था. मैंने आज तक, मुझे ये कौम जानती है 40 साल से, जब मैं क्रिकेट कैप्टन था, क्रिकेट कैप्टन से पहले भी जानते. आज अगर कोई मुझे ये कह दे कि इमरान खान ने कभी मेरिट के ख़िलाफ़ कुछ किया, मैं 10 साल क्रिकेट कैप्टन था, सबको पता है कि मेरे ज़माने में कभी मेरिट वायलेट नहीं हुई. मैंने शौकत खानम बनाया,
आज पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स के इंटरनेशनली रिकग्नाइज है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल दोनों हॉस्पिटल्स को उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है, विच मीन्स चार पाकिस्तान में हॉस्पिटल जिनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। आज मुझे बताया कि कभी शौकत खानम के अंदर स्वाइप मेरिट के कुछ मैंने किया हो, नमल यूनिवर्सिटी मैंने बनाई उसके अंदर सारा मेरिट है, कोई मेरे रिश्तेदार को उनको नहीं लेके आया, मेरिट पे जो आता है आता है। मैंने कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आर्मी चीफ के ऊपर स्वाइप मेरिट के मैं कोई और फैसला करूँ, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो कोई अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मुझे तो किसी से कोई खौफ नहीं है, मैं तो चाहूँगा कि मेरी फ़ौज का इदारा मजबूत हो। तो ये फिर फैलाया गया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है और जनरल फैज, ये बाद में सारी चीज़ें कही गई हैं, मेरे जहन में ये कभी नहीं आता। लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई बात हुई है जो अभी तक पब्लिकली नहीं आई? मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जी पीटीआई गवर्नमेंट जो थी वो फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कर रही थी, वो यहाँ से नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ से होनी चाहिए। देखिए मैंने तो जब से आज से छोड़े 26 साल पहले जब मैं पॉलिटिक्स शुरू की है, तो मैंने तो कभी अपनी जो मेरी स्टेटेड एम था फॉरेन पॉलिसी का उससे कभी मैं पीछे नहीं हटा। मेरा हमेशा ये था कि पाकिस्तान एक खुददार कौम है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इसका नारा है, ये कभी इसको किसी कौम के सामने झुकना और ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए। मैं आप मेरे 26 साल पहले सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लें, मैंने 26 साल पहले कहा था कि मैं ना कभी किसी के सामने झुकाऊँ ना कभी कौम को झुकने, 26 साल से मैं एक ही चीज़ कह रहा था। मैंने वॉर ऑन टेरर को सारा वक्त अपोज किया क्योंकि हम किसी की जंग लड़ रहे थे, मैं अकेला आदमी था जो सारी जगह इसके खिलाफ अमेरिका में जाके मैंने कहा, एशियन सोसाइटी में जो अमेरिका किया उसके अंदर थिंक टैंक्स में मैंने जाके एक ही बात की कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी, हमने अपनी कुर्बानी दी है, हमें अमेरिका की जंग के अंदर हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया है, लोगों को 80,000 अपने लोग कुर्बान किए, मुल्क के कोई नहीं बात करता कबायली इलाके के लोगों से क्या गुजरा, सारा कबायली इलाका हमने डेवेस्टेट किया। तो मैं हमेशा चाहता था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क हो, खुददार मुल्क हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो, हम IMF के ग़ुलाम ना बने, और ये कभी चेंज नहीं हुआ। तो मैंने तो जो अपनी फॉरेन पॉलिसी थी उसी के मुताबिक रखी। हमारा इंटरेस्ट क्या है, चाइना इमर्जिंग दुनिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हमें चाइना के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात, हमारा नेबर भी है, हमारे ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं। उधर से पुशबैक ये आती थी कि तुम कटेल करोगे चाइना से ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका और वो ब्लॉक्स में जा रहे थे, हमने कहा हम दोनों से दोस्ती रखेंगे और हमने कभी एंटी अमेरिकन मेरी पॉलिसीज थी। और दूसरी चीज़ ये जो रशिया का ट्रिप, हमारे लिए रशिया से अगर हिंदुस्तान रशिया से सस्ता तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद, हिंदुस्तान को उनको स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का हिस्सा है, हमें तो वो ना तीन में ना तेरह में हमें हुक्म दे रहे हैं कि उनसे ना 30% कम पे तेल मिल रहा था, 30% कम पे 20,00,000 टन गंदम हमने खरीदनी थी वो हमें सस्ती मिल रही थी। तो मेरा तो इंटरेस्ट अपने लोग हैं। और फिर बेसिस पाकिस्तान में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता क्योंकि हम एकदम मुलव्वस हो जाते हैं किसी की जंग में। सो देयरफॉर मेरी फॉरेन पॉलिसी हमेशा क्लियर थी। अगर और लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा प्रोरोगेटिव है फॉरेन पॉलिसी और ये मेरी फॉरेन पॉलिसी थी। थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को मैं स्विच करूँगा, आपने पहले इसमें जाहिर जिक्र किया एक ओवरऑल अलॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर सेइंग, उसमें ये बात आती है कि निज़ाम करप्ट है, इट्स नॉट जस्ट दीज इंडिविजुअल्स बट, और पहले भी मैं आपका सुनता रहा हूँ तो सोसाइटी हमारी अनफॉर्चुनेटली मॉरली भी करप्ट हो चुकी है और बहुत सारे उसमें मसाइल हैं, तो निज़ाम बार बार नज़र आता है। अगर मैं आपसे पूछूं अगेन, अगर मैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को उठाऊं तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बड़े आराम से कंट्रोल हो सकता है, यू नो सिस्टम ही ऐसा है जिसके अंदर, उसमें एक तो दो मसले मुझे नज़र आते हैं। पहला तो ये है कि अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ आई वर टू लुक एट इट, आई थिंक 95% ऑफ द पीपल आर वोटिंग फॉर यू, दे नॉट वोटिंग फॉर द इंडिविजुअल स्टैंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड सो वो आपके नाम पर वोट करके आते हैं और फिर आखिर में आके वो यू नो दे गो टूवर्ड्स सम अदर पार्टी एंड एसेंशली। सो डू यू थिंक कि अभी जो आपको एक 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 पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक सेंटिमेंट मिली हुई है इसमें आप सिर्फ इलेक्शंस के लिए ही करेंगे या आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान को एक डिफरेंट निज़ाम की ज़रूरत है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मल्टीपल टाइम्स बात हुई, अगर मैं ज़्यादा इसको मैक्रो पे ले जाऊँ तो हमने तो हमेशा एक वेस्टर्न सिस्टम देखा ना, ब्रिटिश के बाद हम पाकिस्तान में जो उनका बनाया हुआ सिस्टम था उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं, बट दुनिया में बहुत सारे और निज़ाम एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाइना का अपना स्टाइल है, टर्की का अपना स्टाइल है। डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तान को भी एक एक री इमेजिनेशन की ज़रूरत है, मे बी एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, मे बी एक नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत है? पहले तो एक चीज़ याद रख लें,
किसी कोई भी दुनिया का निज़ाम ले आए उसके ऊपर शरीफ और जरदारी बैठा दे वो सारे निज़ाम करप्ट हो जाएंगे। आज आप इंग्लैंड के अंदर वो नवाज शरीफ जो उसको किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बना दें इंग्लैंड का, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 10 साल में वो मकरूज हो जाएगा मुल्क और वो पाकिस्तान से कहेगा कि मैं कर्ज़े दो। देखें सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक चीज़ समझनी है जो बरतानिया की जो मैं बड़ी क्लियर क्लोजली देखा हुआ और स्टडी किया, उसका जो बेसिस होता है ना वो बुनियाद जो रखी जाती है वो रखी जाती है अमर बिल मारूफ पे, कि उनकी जो मोरालिटी है एक मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खड़ी होती है। देखिए डेमोक्रेसी एक पार्लियामेंट के पास तो फौज नहीं है लेकिन उनके पास मॉरल अथॉरिटी होती है। जिस वक्त आपकी डेमोक्रेसी में मॉरल स्ट्रेंथ चली जाती है उस वक्त हमारे मुल्क में हमेशा फौज आती है और लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि जब वो खो बैठते हैं ना अपनी इखलाकी जवाज, क्योंकि डेमोक्रेसी चलती इखलाकियात के ऊपर है। क्यों ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक दफ़ा एक गवर्नमेंट को गिराया गया और लोग सड़कों पे आ गए? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इखलाकी जवाज नहीं खोया था, इमरान खान कोई करप्शन नहीं कर रहा था, हम कोई यहाँ से पैसे चोरी करके बाहर ही लेके जा रहे थे, इसलिए लोगों को एक गुस्सा आया कि बाहर की मुदाखलत और अंदर से मीर जाफरों ने गिरा दी, इसलिए पब्लिक निकली। तो नंबर वन एक चीज़ प्लीज़ ये याद रख लें कि वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी इसलिए चलती है कि वहां तसव्वुर हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है, कोई सोच नहीं सकता कि वो अपनी वोट बेचेगा, उनकी मॉरल स्टैंडर्ड इतनी हाई है। वहां एक एक्सपेंसिव केस एक्सपेंसेस का केस चला था पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में, चार चार पांच पांच हजार पाउंड के ऊपर आठ आठ दस दस लाख रुपए के एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस पे तीन तीन साल की पार्लियामेंटेरियंस को जेल दी, और जज जब जेल में कह रहा था तो उनको उसने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए जेल रहा हूं क्योंकि तुम पार्लियामेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तुम्हारा जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो आम से ज्यादा ऊपर है, तो उसने उनको तीन तीन साल की जेल डाल दी। सो सबसे पहले ये याद रखें कि जो हमारा जुल्म है ना हमारा सारा सिस्टम है, हमारे ऊपर जब क्रिमिनल्स आके बैठ गए इन्होंने सारे सिस्टम को पहले तो डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि मैं कैसे चोरी करूंगा अगर नैब इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रही है, अगर एफबीआर इंडिपेंडेंट एफआईए कानून के मुताबिक चल रही है, मैं नहीं कर सकता, तो मुझे पहले उनको अपने लोग बैठा के उनको ख़त्म करना। अब ये एफआईए को ख़त्म कर रहा है ना, 16 अरब के केसेस हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, आते साथ ही जो लोग इन्वेस्टिगेट रहे थे सबको फारग करके अपने लोग ऊपर आके बैठा दिए, अब अपने केसेस साफ करेगा। अब एफआईए उसके बाद क्या करेगी? एफआईए की सारी जितनी एफआईए की कॉम्पिटेंस क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब एफआईए एक टूल बन जाएगा लोगों के ऊपर झूठे केसेस करने का, जो कर रहे हैं आप हमारे ऊपर। तो नंबर वन प्लीज़ एक चीज़ ये देखें, कौम मैं जो लोगों को इस वक्त निकालूंगा इंशाल्लाह, लोगों को मैंने एक चीज़ बतानी है, जो मदीना की रियासत की बुनियाद रखी गई थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो अमर बिल मारूफ पे थे। कौम को हुक्म दिया था कि तुमने खड़ा होना है राय हक पे अच्छाई के साथ, और सारी कौम को हुक्म दिया था तुमने सबने मिलके बुराई को कंडेम करना। ये आज आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, आज आप स्विट्जरलैंड में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में ये हाल है कि आज आप सड़क पे चलते चलते कागज़ फेंक देना सड़क पे, जो शहरी होगा वो आपको कहेगा कि आपने ये क्या किया, शहरी आपके ऊपर कहेंगे कि आपने गलत काम किया। ये अमर बिल मारूफ था, ये मदीना की रियासत इस पर खड़ी हुई थी। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को, आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो ये कहना आप देख रहे हैं बड़े बड़े डाकू आके ऊपर बैठ गए हैं और कह जी मैं तो न्यूट्रल हूं, न्यूट्रल इंसान को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। आप जब एक अगर आप हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। इस पर अगर मैं जो पर्टिकुलरली लास्ट बात है आपकी कि अगर आप इदारे न्यूट्रल हैं, निज़ाम करप्ट है, ऊपर आके ये दूसरी गवर्नमेंट है आपके, आप कह रहे हैं कि यू नो वो आके अपने बंदे बैठा रहे हैं, ईसीपी के चेयरमैन आप कह रहे हैं कि जी एंटी पीटीआई हैं, यानी ईसीपी का जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है ये इससे ज़्यादा बायस्ड आदमी आया ही नहीं है पाकिस्तान में। इससे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जब अदालत के अंदर उन्होंने ये इसने जाके स्टेटमेंट दी जी 7 महीने से पहले मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, अदालत को उस दिन उसको फारग कर देना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 3 महीने में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने की तैयारी रखनी चाहिए,
90 डेज से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट आज जाती है तो 90 डेज में आपको इलेक्शन करवाना है। ये किस मुँह से कह रहा था मुझे साथ भी नहीं दो, इसका मतलब कि कॉम्पिटेंट, इसको उस दिन सैक कर देना चाहिए था। इसने इसलिए किया क्योंकि इसने ये गवर्नमेंट का मौकफ जो था शहबाज शरीफ वगैरह का कि जनाब अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो इसने उनका साथ दिया है। नहीं बट सो दैट, सो माय क्वेश्चन इज कि मैं कहता हूँ ठीक है ECP या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो भी बायस्ड हैं, आपके जो हैं वो इदारे भी न्यूट्रल हैं, पब्लिक सपोर्ट है अनडाउटेडली एंड वी हैव सीन दैट इन जलसा थ्रू आउट पाकिस्तान एज वेल एंड सोशल मीडिया के बड़ा एविडेंट है। What makes you so sure के आने वाली इलेक्शन जो है वो आप you even have a fighting chance then? Because a lot of your supporters are just like यार फायदा ही नहीं है, ये तो टाइम्स आया है, ये तो ठीक है हम सारी अपनी नॉइज निकाल लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पूरा निज़ाम, अगेन निज़ाम अगर करप्ट है तो what's, is it even worth fighting for? निज़ाम में इंसान बैठे हुए हैं, वो सारे इंसानों के घरों में बीवी बच्चे हैं, वो सारा इस वक्त जो बीवी बच्चे हैं वो सारे खड़े हो गए हमारे साथ आके। ये जो पब्लिक है इनके अंदर इस तरह इतना बड़ा चेंज आया है कि कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो साजिश कर रहे थे वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस तरह पब्लिक सड़कों पे खड़ी हो जाएगी। उन्होंने तो सोचा था मिठाई बांटने की। मेरी एक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कैरेक्टर असैसिनेशन पूरी कैंपेन तैयार की। इन्होंने करना क्या था, इन्होंने कहना था जैसे इसको हटाना है पहले तो लोगों ने कहना है कि इतना अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि इन्होंने मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई हुई थी मुसद्दक के अगेंस्ट, पहले मीडिया पे कैंपेन चली थी, पैसे CIA ने पैसे खर्च करके कैंपेन चलाई थी। और जब वो कैंपेन चल पड़ी फिर जब उसको हटाना था तो लोगों ने खुश होना था, और फिर उसकी बकायदा कैरेक्टर असैसिनेशन करनी थी जो इन्होंने तैयार की हुई है कैंपेन। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पब्लिक इस तरह खड़ी हो जाएगी, तो ये खुद शौक में, और ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इदारों के अंदर लोग सारे हमारे साथ खड़े हो गए। इस वक्त इदारों के अंदर इनके फैमिलीज सारे आज खड़े हैं। मैं क्यों समझता हूँ कि इस वक्त जो चेंज आएगा, ये मैं पहली दफ़ा अपने 26 साल की पॉलिटिक्स में बल्कि अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी इतना बड़ा चेंज जो अब आ रहा है मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ साहब, अभी आप मोरल स्टैंडिंग की बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा चीज़ों को ग्रास रूट पे उस पर्सपेक्टिव से देखना मुझे ज़रा प्रेफर करता हूँ। मोरल स्टैंडिंग आती है अच्छी तरबियत से, उसमें आपकी हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, आपके घर में क्या तरबियत दी जा रही है, आपके स्कूल में, तालीमी इदारों में, आपके मदरसों में, जहाँ से भी आप तालीम ले रहे हैं। आप अगर आज देखें जेन Z जो है, मैं उनसे ज़रा ताल्लुक बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहता हूँ उनके साथ में, आप TV के चैनल्स घुमाएं पूरे 70 चैनल जितने भी हैं, आपको बच्चों का एक कंटेंट नहीं दिखता। एंड आई थिंक वी ओव इट टू द चिल्ड्रन, क्योंकि हमने अपनी जैसी जैसी जिंदगी गुजार ली, ये आप जो भी जद्दोजहद कर रहे हैं आप आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, राइट? वो कहते हैं ना, यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द शेड ऑफ द ट्री दैट यू प्लांट। तो किसी भी चैनल पे बच्चों का कोई भी प्रोग्राम नहीं आता, और ना ही कोई साइंस का प्रोग्राम आता है। किसी ज़माने में नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी आते थे हिंदी में, लेकिन चूंकि वो हिंदी में आते थे तो वो हिंदू कंसिडर किए गए, वो बैन हो गए। बच्चे ही मांगते हैं इंस्पिरेशन। जाहिर है बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आपको देखा, इंस्पायर हुए, आज वो टीम में खेल रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जब आपके पास हीरोज़ भी नहीं होंगे, आप उनको कोई इंस्पिरेशनल कॉन्टेंट भी नहीं दिखाएंगे, आप उनको चाहे वो रिलीजियस कंटेंट हो या साइंटिफिक कंटेंट हो, मेरी फवाद चौधरी साहब से भी इस मामले में डिस्कशन हुई थी जब वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस हेड करे, तो उनको आइडियाज़ अच्छे लगे, मगर वो जाहिर बात है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना सारा टाइम लड़ाई में निकाल देती है और वो काम हो नहीं पाता, वो अपने आप को बचाने में पूरा टाइम निकल जाता है। पहले साल समझ आता है, आखिरी साल इलेक्शन की तैयारी थी, बीच में जो 3 साल होते हैं उसमें भी कोविड आ गया। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है आप देखें नहीं नज़र आ रही, और ये आई थिंक हमें आज इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन इन द कमिंग 10-20 ईयर्स, आप अगर चाइना की मिसाल देखें, चाइना में जो है टिकटॉक पे बाकायदा मैथ के सवाल आते हैं, बच्चों को क्विज़ करवाते हैं। इंडिया में आप देख लें बहुत इंस्पायरिंग कॉन्टेंट बनाया जाता है, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो TV का हो, इनकी इवन फिल्म इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, एंड आई थिंक वी ओव इट टू द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री। तो जो मोरालिटी है ना और एथिक्स, ये सारी चीज़ें, मैंने जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ तो ये एक बड़ा केयरफुली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में कल्टीवेट किया था। मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई, वो क्यों बनाई, उसका सिर्फ एक मकसद था कि लोगों को सीरत नबी से उनकी एथिक्स इम्प्रूव करें। बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया में कभी इस तरह का इतना अजीम इंसान ना आ सकता ना आया, उनकी ज़िंदगी से,
वो बताएं तो सही कि वो क्या रेवोल्यूशन आई है। देखें, लोगों को यही नहीं पता कि जब वो 10 साल में 6622 से लेकर 632 तक, वो जो उनके 10 साल थे मदीना में, वो दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब आया। आपको पता है जो टोटल लोग मरे जंगों के अंदर 10 सालों में, वो 1200 थे, 1200-1300 टोटल लोग मरे। सो एक्चुअली वो एक फिक्री इनकलाब आया था, उस जेन चेंज हुए थे, इंसान चेंज हुए थे। वो जब तक आप सीरत नबी ना पढ़े हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या हुआ था। हमने इसलिए फैसला किया कि बच्चों को पढ़ाएं सीरत नबी। और मैंने फिर ये भी, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा असॉल्ट है वेस्टर्न कल्चर, मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, मैंने इतनी ज़िंदगी 30 साल यानी ऑफ एंड ऑन वहाँ गुजारे। जब तक हम, आपने जो बात की मीडिया के ऊपर कंटेंट, टीवी पे, फिल्मों में, हम उसको अपनी कल्चर और अपनी दीन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, हम फंसे रहेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड, जिनके कल्चर हमें पूरी तरह समझ नहीं है कि उनकी वो कंटेंट ने कितना बड़ा उनके कल्चरों में फ़ायदे क्या करवाए और नुकसान क्या करवाया। आज वहाँ फैमिली सिस्टम टूट चुका है हिंदुस्तान के अंदर। उनका जो हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर है वो उनकी फैमिली सिस्टम को डेविस्टेट कर रहा है। हम उसको जब अपनाएंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। इस वक्त पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में जो चीज़ बची हुई है वो है हमारा फैमिली सिस्टम। आप जितनी वल्गैरिटी अपने मुल्क के अंदर लेके आएंगे और आप टी वी पर और आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कॉन्टेंट है, जो पोन है उसके ऊपर, जिस तरह की चीज़ें हैं, आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली सिस्टम पे। जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कपड़ों का नहीं है, सारा पर्दे का अगर आप सही माने में कोई एक्सप्लेन करें लोगों को, उसके पास फलसफा है क्या, वो बेसिकली फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए। आप जितनी वल्गैरिटी बढ़ाएंगे, फाशी बढ़ाएंगे, आपका फैमिली सिस्टम इफेक्ट। हॉलीवुड के अंदर एक शादी की एवरेज लाइफ स्पैन 2.5 साल है, 2.5 साल शादी लास्ट करती है, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल है उसमें ख़ानदानी निज़ाम चलता नहीं है। तो मैं ये चाहता था कि पहले तो हम बच्चों की तरबियत करवाएं स्कूलों से सीरत नबी से, क्योंकि उन्होंने मदीना में यही अमर बिल मारूफ इसकी बेसिस रखी थी सोसाइटी में। सेकेंडली हम काउंटर करें, जिस तरह मैं वो तुर्की का जो सीरियल था टीवी अर्तुगरुल, उसको मैं जो यहाँ लेके आया था प्रेसिडेंट अर्दोगान से बात करके, उसका मकसद ये था कि हम अल्टरनेट लोगों को दिखाएं कि एक ऐसा कल्चर है जिसमें ये सारा जो फाशी है, जो ये बॉलीवुड वगैरह जो गंदा है बिल्कुल, जो तबाही कर रहा है, उधर भी तबाही कर चुका है। हॉलीवुड के अंदर जो हमने अपनी पहले एडल्ट्स होती थी 50 साल फिल्म क्या होती थी, और आज आप देख लें और उसका इफेक्ट देख लें माशा। तो हमें देखें, कल्चर एक्सचेंज हमेशा होता है, लेकिन एक मुल्क में एबिलिटी होनी चाहिए कि कौन सी कल्चर की चीज़ें हमने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। आप अगर पूरी तरह चीज़ें ले आएंगे, उसका जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता कि आपकी सोसाइटी में क्या हो। उसका सबसे बड़ा आज कॉन्सिक्वेंस है कि आप फास्टेस्ट राइजिंग क्राइम आज पाकिस्तान में, जब मैंने IGs बुला के उनसे चेक किया तो चाइल्ड अब्यूज़ और रेप, ये सबसे तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में क्राइम। सो खान साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि दोबारा गवर्नमेंट में हम मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन जिस तरह का वही वाली बात जो मुजम्मिल ने की कि जिस तरह का निज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, मतलब उसमें आके पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं। मतलब आपके दौर में भी 6 से ज़्यादा IGs पंजाब में, बार बार लोग चेंज हो रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ में चेंज हो रहे हैं। सो इस दफ़ा ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंट होगी, और उससे भी ज़्यादा अगर आप जो इदारों वाली साइड है वो, मतलब आपके ख्याल से वो अभी भी न्यूट्रल ही रहेंगे जब आप आते हैं, या वो आपको सपोर्ट करेंगे? और एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव पिछले 60 सालों से पाकिस्तान में खींची, उनकी सपोर्ट के बगैर तो आप आ ही कोई नहीं सकता। सो जितनी मर्जी आपके पास पब्लिक आ जाती है, डू यू फील लाइक के यू विल कम बैक? देखिए, इसको जब पब्लिक इस तरह मोबिलाइज हो जाए ना, दुनिया की तारीख बताती है उसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो एक दफ़ा इस तरह की मोबिलाइजेशन देखी थी, और इसमें कोई शक नहीं कि तब वाकई एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो का। लेकिन मैंने तब जो पब्लिक देखी थी ना, यानी वो अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ें हुई हैं कि अननोन लोगों को इतने वोट्स पड़े, और जब पीपल्स पार्टी का वेव आया था इधर और मुजीबुर रहमान का वेव आया था ईस्ट पाकिस्तान में, तो उससे कोई नहीं रोक सकता जब इस तरह का वेव आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, लेकिन मेरी कंटेंशन ये है कि पाकिस्तान बदल गया है।
इसको आप कोई रोक नहीं सकेगा। ये जब पब्लिक का एक फैसला हो जाए ना, जब पब्लिक एक तरफ, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक अब जो शऊर आ गया है, जो निकल गई है, मैं नहीं समझता कि, और देखें इदारों के अंदर फिर से मैं बताता हूँ, इंसान होते हैं, वो नहीं रोक सकते, वो रोकना चाहेंगे भी नहीं, उनके अंदर से, इदारों के अंदर से प्रेशर होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। अच्छा खान साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपने थोड़ी देर पहले आपने यू नो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी का भी तस्करा किया, और यू नो हम देखते हैं कि पिछले 3 साल में आप ज़ाहिर है फायर फाइटिंग में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, एक सॉर्ट ऑफ हंग पार्लियामेंट थी और उसमें ज़ाहिर है कि वो चीज़ बड़ी मुश्किल थी। बट वन थिंग दैट हैज़ बीन मिसिंग, एंड इसको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसमें बिल्ड करूँगा, दिमाग सवाल मेरे इस तरह दिमाग में आया कि पहला तो ये हुआ कि अगर मैं ट्विटर देखूँ तो आजकल बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हुआ है, सब कह रहे हैं कि जी खान साहब की सिक्योरिटी को बड़ा एक थ्रेट है, स्पेस में भी आपने लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला और आपने उस पर जवाब दिया, आपने आखिर यू नो अल्लाह ताला के ऊपर है, विच इज़ फाइन, बट द वे दैट आई सी इट आई फील लाइक राइट नाउ इट्स लिटरली इमरान खान और नथिंग, राइट? एंड जब आपने एक इतनी बड़ी पार्टी बनाई, 26 साल की आपकी जद्दोजहद है, आपने उस पार्टी को स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली देकर उसको इन्फोर्स क्यों नहीं किया? और इसकी वजह दो हैं, पहला ये कि बार बार सवाल आता है कि आगे किसको टिकट दिया जाएगा, इलेक्टेबल नॉन इलेक्टेबल, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं देखता हूँ नौजवान तबके को, मैं कहता हूँ कि यार मैं हूँ, जुनेद भाई हैं, तला हैं, हम ख्वाब सोचते हैं, हम कहते हैं यार हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। आज अगर कोई नौजवान सोचता है कि उसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो सिस्टम में घुसे, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना एक स्टैचर बिल्ड करे और कोई निज़ाम हो। अभी तो ये पावर है, पैसा है, कौन कितना पैसा ले आता है, कौन कितना वोट बैंक ले आता है, पावर ले आता है। तो डोंट यू थिंक कि जी वो जो स्ट्रक्चर जो आप पाकिस्तान को बदलना चाह रहे थे, वो शायद अपनी पार्टी से अगर स्टार्ट करते तो उस 3 साल के बाद आज आप बहुत बेहतर जगह पर होते इन टर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक तो आ गई, बट जो पार्टी इटसेल्फ है वो इट सीम्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ। देखिए मुजम्मल, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं तो एक आइडियलिस्ट हूं और पहले दिन से मैंने सोचा था कि हमारी पार्टी हम इलेक्शंस करवाएंगे और एक नई लीडरशिप लेके आएंगे, और वो ले आए हम। अभी मुराद सईद, कौन सोच रहा था कि वहाँ इतने बड़े खान थे मलाकंड में और मुराद सईद ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह अली मोहम्मद हुआ, या एक शायद है हमारा शायद उधर करक से वो खड़ा हो गया, शायद खटक, वो हमारा एक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से ISF निकल के वो बन गया, ये सारे नीचे से आए हुए हैं, फ़ारूक हबीब है हमारा जो मिनिस्टर ये बना है, ये सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं ऊपर, यानी ये पहली दफ़ा हमने जो शुरू की। तो देखें हमारी वाहिद पार्टी है जो कि एक फैमिली पार्टी नहीं है, बाकी नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनके सवाए उनके ख़ानदान के कोई ऊपर ही नहीं आ सकता। यहाँ बाप बन गया प्राइम मिनिस्टर, बेटा बन गया चीफ मिनिस्टर, ये मजाक है मुल्क के साथ, दोनों जमानत में भी है, ऊपर से करप्ट भी दोनों है, और बा जो वो चाचा है वो यानी जो उसका दूसरा भाई है वो कॉन्विक्ट है, वो मुल्क से भागा हुआ है। सो ये ऐसे ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये टू फैमिली सिस्टम, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये दिस इज इवन वर्स देन किंगशिप, राइट? बट सॉरी मैं आपके से बात कर रहा हूं, मैं ऐड कर दूं ना, देखें मैं सिर्फ आपको, लेकिन जो हम चाहते थे ना कि हमारी पार्टी में, हाँ वाहिद पार्टी है जिसने बहुत बड़ा इलेक्शन करवाया अपनी पार्टी में, लेकिन वो जो इलेक्शन था, जो सिस्टम हमने पहली दफ़ा किया इलेक्शन का सिस्टम, उसके अंदर हमें बड़े प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि यहाँ तो कोई ट्रेडिशन ही नहीं है पार्टी में इलेक्शंस करवाने की। हमने पहले मेंबरशिप की, फिर कोशिश की, लेकिन वो फ्लॉड सिस्टम था वो, यानी उसके अंदर हमें बड़ी गलतियाँ आई। फिर हमने सेकेंड टाइम कोशिश की, फिर हमने मेंबरशिप की, पूरा एक सेटअप किया, इलेक्शन सेल बनाया, लेकिन वो इलेक्शन हमने किया नहीं इवेंचुअली, क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम हमने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन करवाना था, क्योंकि हम वो ज़्यादा आसान था, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जो हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया, वो जब उसको टेस्ट किया वो काम नहीं किया, यू नो। सो कोशिश हमने पूरी की। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त ये सेकंड चीज़ है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इमरान खान है और PTI है, लेकिन ये जो इस वक्त हम जिसमें पड़े हुए हैं ना, इस वक्त मेरी पार्टी इलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सारा करप्ट स्टेटस को एक तरफ है और इमरान खान और PTI एक तरफ है। सर लेकिन अगर उसमें खुदा ना खास्ता इमरान खान को निकाल दें तो फिर PTI किस जगह पर खड़ी होगी? कोई और लीडर बन जाएगा PTI में,
और हम चाहेंगे कि वो एक पूरी मेंबरशिप वोट करे एक लीडर को, हम कर देंगे वो। हम मेंबरशिप तो कर रहे हैं, फिर से मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं, उनसे कहेंगे डायरेक्ट इलेक्ट करे एक लीडर को, सारी पार्टी इलेक्ट करे बजाय इनडायरेक्ट इलेक्शन से। लेकिन देखें, ज़िंदगी का तो किसी को भी नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता कि हम आज कल जिंदा है या नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कह दूँ कि इस वक्त जो बैटल है वो पाकिस्तान के अंदर कभी इस तरह की क्लियर डिवाइड नहीं आ गई। सारे ये डाकू 30-30 साल से जो चोरी कर रहे थे एक तरफ खड़े हो गए, और तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी हो गई, और पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। और ये जो इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो शायद दुनिया में बड़े कम मुल्कों के अंदर हो, और इसी इलेक्शन में पाकिस्तान एक कौम बनने जा रही है। देखें, ये सारे मुल्क में एक आया। अब कराची में भी किस पाकिस्तान की पार्टी ने 10 दिन में पेशावर का सबसे तारीखी जलसा किया, कराची का तारीखी किया, और मनारे पाकिस्तान भर दिया। इन्होंने 11 पार्टीज ने मिलकर मनारे पाकिस्तान का 5% नहीं भरा। इस बारी इतना बड़ा क्राउड आया कि बाहर भी लोग अंदर ही नहीं घुस सके। सो देयरफॉर ये एक यूनिक चेंज आ रहा है पाकिस्तान में। तो मैंने जब आपने कहा ना मिक्स फीलिंग शुरू में कि आपको हटने से क्या हुआ, एक तरफ तो मुझे ये जो साजिश कामयाब होते हुए मैं तो शौक में चला गया कि सारी एक पूरे इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना था मुझे शिकस्त देने के लिए। दूसरी तरफ जो कौम खड़ी हुई है, मैं तो समझता हूँ इससे खुशाइन चीज़ हो ही नहीं सकती थी हमारे मुल्क से। अच्छा सर, इसमें अभी आज की खबर है कि मरियम औरंगज़ेब ने कमीशन असेंशली अनाउंस किया है ऑन द साइफर, जो आपका जिसकी बेसिस के ऊपर फॉरेन कंस्पिरेसी का आप कहते हैं, तो डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग कंसीडरिंग कि पब्लिक भी शायद देख लेगी कि एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से? ये ऐसे ही है कि शहबाज शरीफ के 16 अरब रुपये के केसेज हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, FIA के अंदर, और अब वो FIA के अंदर वो सारे ऑफिसर्स डाल के अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर रहे हैं। यानी जो इन्वॉल्व हो वो कैसे फैसले कर सकता है? गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है सारी कॉन्स्परेसी में। सिर्फ एक हम कमीशन मानते हैं, वो चीफ जस्टिस के नीचे हो, और उसके अंदर कंडीशन ये है कि उसकी ओपन हेयरिंग हो, बिल्कुल इन कैमरा हेयरिंग ना हो, सारे मीडिया के सामने वो कमीशन बैठे और वह फिर इसकी पूरी हेयरिंग करे कि ये शुरू से लेकर एंड तक क्या हुआ था। खान साहब, अभी आपने जलसों की बात की और आपने काफ़ी सक्सेसफुल जलसे एक ही हफ्ते में 3 मेजर सिटीज़ में किए, कराची वाला भी ज़ाहिर बहुत बड़ा था। कराची की आवाम जो है दे वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो एक इतना बड़ा शहर है, हमारा फाइनेंशियल हब है, और वो एक बारिश की मार है और पूरा शहर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। उसके बावजूद कराची ने वोट भी आपको दिया और आपके फेस पे ऐसे ऐसी जगह वोट दिया कि जहाँ बनता नहीं था, लेकिन वो ज़ाहिर दे वर लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर। मगर उसके बाद बावजूद भी मसला यहाँ आता है कि इवन इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, वो फिर 18वीं तरमीम आ जाती है और सूबाई गवर्नमेंट आ जाती है। तो और मैं बात करूँ बहुत बेसिक चीज़ों की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, कोई सड़कें सीधी हो जाएं, कोई स्ट्रीट लाइट ही लग जाए। स्ट्रीट क्राइम इतना प्रेविलेंट है और इतना ऐसा लगता है कि बहुत लॉलेस, वो जो पुरानी फिल्मों में वेस्टर्न मूवीज़ में होता था, कोई भी आया गोली मार के चला जाता है, मतलब ये बहुत कैजुअल हो गया है। तो कराची की आवाम क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अगर आप इफ़ यू आर इन पावर अगेन? देखिए, सबसे पहले तो कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे करप्ट गवर्नमेंट है वो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। एक तो वो गवर्नमेंट पावर में रही है और 14 साल हो गए उस गवर्नमेंट को। उस 14 साल में इन्होंने कराची को नुकसान तो पहुंचाया एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो इदारे तबाह किए, जो पुलिस के अंदर गलत भर्तियां की, पुलिस में यानी सिंध की पुलिस के अंदर इन्होंने करप्ट तरीन लोगों को रखा हुआ, क्योंकि खुद करप्ट है। उससे क्या हुआ? सबसे पहले तो कराची में जो लॉलेसनेस है, अगर आज रेंजर्स आप हटा दें तो कराची तो फ्री फॉर ऑल हो जाए। जो भी थोड़ा बहुत कानून है वो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो रेंजर्स की वजह से। इसका मतलब गवर्नमेंट तो फेल हो गई। इसका मतलब जो काम गवर्नमेंट का था ये रेंजर्स का तो काम लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन उससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें, कराची जिस तरह लाहौर है, जिस तरह इस्लामाबाद है, जो बड़े बड़े शहर हैं, जिस तरह पेशावर है, मुल्तान है, जब तक यहाँ सिटी गवर्नमेंट्स नहीं बनेंगे, जिस तरह लंदन की है, लंदन मेयर है, वो पूरी एक गवर्नमेंट होती है। लंदन को चलाने के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है, वो डायरेक्टली इलेक्शन से वो आती है। हमने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स होंगे, नाजिम होंगे, जो कि पूरे शहर को, उनकी कैबिनेट चलाएगी उस शहर को।
वो जब तक हम वो सिस्टम नहीं ले आएंगे, वो अपने पैसे खुद इकट्ठे करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करना उनका काम होगा, उनके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो पानी के भी एक्सपर्ट होंगे, सीवरेज सिस्टम के भी होंगे, पुलिस उनके नीचे होगी, जब तक एक ये बड़े शहरों को आप जिस तरह न्यूयॉर्क चलता है, जिस तरह लंदन चलता है, पेरिस चलता है, तेहरान चलता है, आप आज तेहरान चले जाएं, सैंक्शंस के बावजूद जो आप तेहरान की फंक्शनिंग देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि वो लगेगा अमीर तरीन मुल्क लगता है, वो सारा साफ सुथरा शहर, मॉडर्न सिटी, क्योंकि उनकी तेहरान की अपनी गवर्नमेंट है, वो अपने पैसे इकट्ठे करती है। हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम जो बजट है प्रोविंस का उससे हम शहरों को फंड करने की कोशिश करते हैं, वो या तो वो शहबाज शरीफ के ज़माने में कि सारा 56% बजट पंजाब का आप लगा दें लाहौर के ऊपर और वो बाकी सारा पीछे रह जाता है, या सिंध में देख लें वो सारा जो मेन बजट है वो इंटीरियर सिंध में, क्योंकि वहाँ से वोट लेके आते हैं, कराची को पैसे नहीं मिलते, कराची खंडर बन चुका है। तो इसका सिर्फ एक नतीजा है कि इन शहरों को इनकी अपनी इलेक्टेड, एक डायरेक्टली इलेक्टेड इनका मेयर बने, नाजिम बने, वो फिर अपनी कैबिनेट बनाए और वो फिर उसको चलाने के लिए और अब चलाए भी और पैसे भी इकट्ठे करें वही जिम्मेदार हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब भी इस्लामाबाद या लाहौर आता हूँ मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ बाहर से हाथ डाल के गेट खोल कुंडी खोल के चले जाते हैं। हमें गली के कोने से पहले फ़ोन कर देना होता है कि गेट पे आ जाओ, क्योंकि वो जो थोड़ी देर आपकी गाड़ी खड़ी होती है और गेट खुलता है उसमें ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो मतलब हमारे लिए इतना एलियन कॉन्सेप्ट है कि ATM के अंदर बंदा जाता है ना तो बाहर वाला अंदर वाले से डर रहा होता है, अंदर वाला बाहर वाले से डर रहा होता है। नहीं तो जब ऊपर गवर्नमेंट क्रिमिनल्स की हो, आप देखें ना इनके सारे जरदारी के ऊपर करप्शन केसेस, वो जमानत पे है, चीफ मिनिस्टर है वो, उसके ऊपर करप्शन केसेस हैं, वो जान के, अब मैं फिर से ये कहता हूँ कि इन 3.5 साल में सारे केसेस तो पुराने बने हुए थे, हमने तो बनाए नहीं, इनको पकड़ा ही किसी ने नहीं। जो सिस्टम था वो एक्सेप्ट करता है करप्शन ऑफ द पावरफुल, ताकतवर की करप्शन, जो हमारा इंसाफ का जो भी ताकतवर जिनको इनको जिनके हाथ में था वो इसको इतना बुरा नहीं समझते, वो एक्सेप्ट कर जाते हैं। तो जब वो ऊपर बैठ जाए तो आप क्या समझेंगे कि थानेदार ईमानदार बन जाएगा। सो जस्ट एडिंग टू दैट, पिछले 3 सालों में भी हमने कुछ देखा नहीं कि कोई किसी बंदे को प्रॉपर सज़ा हुई हो। शुरू में आपने वादा किया था कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस लाएंगे। अब आई थिंक शुरू में आपने जिक्र किया कि यू नो जजेस ऐसे बैठे हुए हैं, नैब में ऐसे लोग हैं, बट जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आप अगर उनको रिप्लेस करके अपने बंदे लाते हैं। नैब को आप कुछ, नैब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसको उनका जो चेयरमैन था जो है अभी भी वो नून लीग के ज़माने में उसको अपॉइंट किया गया था, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, हम नैब के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते बाय लॉ। सो देयरफॉर नैब हमारे कंट्रोल में नहीं, और अदलिया आज़ाद है। तो आप FIA के केसेस थे, हमारा जो हमने पकड़ा ये जो इसकी इन्होंने जो अपने वो जो भी शुगर मिल थी इनकी उसके अंदर ये जो 16 अरब रुपये के पकड़े जो नौकरों के नाम पर इन्होंने पैसे लिए हुए थे, अब वो तो ओपन एंड शट केस है। अब हम करें क्या, वो केस ही नहीं लगता था, वो केस लगता है कि दर्द है, कमर दर्द है, ये वो है। मैं कहता हूँ बचाया गया है इसको, बकायदा इसको बचाया गया है, और हम पूरी कोशिश करते रहे, हम नहीं कामयाब हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट थी उसको जब तक पूरी पावर से गवर्नमेंट नहीं आती जिसको फिक्र ना हो सारा वक्त के अपनी पार्लियामेंट पार्टी भी रखो, फिर एलाइज को भी साथ रखो, फिर वो उनको वो नाराज़ हो जाते थे, फिर वो अपोजिशन सारी इनकी क्रिमिनल्स की इकट्ठी थी वो पूरा ब्लैकमेल करती थी, तो हमें बड़ा एक बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट मिली थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे इस तरह की आगे गवर्नमेंट मिली, बेहतर ये है कि हम अपोजिशन में बैठे बजाय गवर्नमेंट चलाएँ। खासा थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को स्विच करूंगा लोकल पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ, और हमने देखा कि दुनिया जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ भी जा रही है, जाहिर उसकी वजह से डायनामिक्स इन फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर चेंजिंग एज वेल। एक चीज़ पर्टिकुलरली मैं आपकी पॉलिटिक्स में नोटिस कर रहा हूँ कि आप पहले एक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म, एंटी करप्शन, लोकल उसके ऊपर थे, बट रिसेंटली यू बिकम मोर ऑफ एन एंटी इंपीरियलिस्ट, यू नो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के पर्टिकुलरली पोस्ट ब्रिटिश एम्पायर का कोलैप्स हमने देखा कि जाहिर है वो एक जो गली का बुली था वो ब्रिटिश
एम्पायर था वो हटा तो एक और बुली इमर्ज किया एट द एंड ऑफ द डे. और हमेशा होता है निज़ाम में जो पावरफुल होता है वो उस तरह से होता है. व्हाई डू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल के दैट शिफ्ट हैज़ हैपेंड पर्टिकुलरली इन योर पॉलिटिक्स एंड इन योर लैंग्वेज एंड लॉट ऑफ द वेज दैट यू नो यू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. एंड दूसरा ये कि इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड हाउ डू यू सी पाकिस्तान पोजिशनिंग इटसेल्फ यू नो बिकॉज अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम है और बहुत ऐसा टाइम है जिसके अंदर हिट और मिस है. हमें नहीं पता आने वाले वक्त में किस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व करेगी. कोल्ड वॉर की जो 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 लर्निंग्स हैं वो हमारे सामने हैं. पाकिस्तान ने टेक्निकली स्पीकिंग एक एक राइट पार्टी का साथ दिया और उसके बावजूद आखिर में हमें उसका फ़ायदा नहीं हुआ. हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं उन्होंने एक लूजिंग पार्टी का साथ दिया जो हमारे से बहुत बेहतर हालात में है. तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से मनूवर थ्रू करेगा पाकिस्तान कि हमने यूएस का साथ दिया राइट. सो ऑब्वियसली बात है कि टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग एक अच्छी सुपर पावर जो जीत गई कोल्ड वॉर. उसके बावजूद हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा कि हमारी हमर्स फिर रही हों हमारे हालात बहुत ज़बरदस्त हों. ऑन द अदर हैंड इंडिया रशिया के साथ थी और उसके बावजूद उनकी आई टी इंडस्ट्री उनकी इंडस्ट्री ओवरऑल तो बड़े अच्छे निकल गए हमारे से. देखिए जी पहले तो एक चीज़ पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एंटी इंपीरियलिज्म अभी से पॉलिसीज़ नहीं थी. मैं वो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी था जिसको बार बार हमारे माँ बाप ने बताया था कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए हो और उनके अंदर बड़ी एंटी ये जो जो हमें ग़ुलामी करनी पड़ी ना अंग्रेज़ों को जो भी खुददार पाकिस्तानी थे उनके अंदर बहुत उसके खिलाफ रिएक्शन था. तो इलामा इकबाल की जो सारी शायरी है जो उन्होंने मुसलमानों को जगाने की कोशिश की आप वो सारी शायरी उसके अंदर जो वो कहते हैं कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही आती है. यानी जब एक खुददार कौम ही उसकी परवाज़ ऊपर होती है. जब आप ग़ुलामी करते हैं तो आप कभी ग़ुलाम ने कभी बड़ा काम नहीं किया. कभी किसी सोचा है कि कॉलोनियल जितने मुल्क थे इनमें से कोई मर्ज किया हो. जब ये एक आज़ाद कौम खड़ी होती है सो हमें मसला ये हुआ कि हमने आते साथ ही इंडिया के खौफ से हम आ गए अमेरिका के उसके अंदर सफेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में और सीटों और सेंटों की हमने उनसे बगदाद पैक्ट का हिस्सा बन गए. जब इसराइल ने और बरतानिया ने हमला किया मिस्र के ऊपर जब नासिर ने स्वेज़ कैनाल को नेशनलाइज़ किया तो आप सोचें हम बरतानिया के साथ खड़े हो गए. हम वो मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हुए. तो क्योंकि हम शुरू में ही एक डिपेंडेंसी सिंड्रम आ गया. हिंदुस्तान ने आते साथ ही इंडिपेंडेंस में फॉरेन पॉलिसी बना ली. फ़र्क क्या था हिंदुस्तान की जो उस वक़्त जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे जवाहरलाल नेहरू उन्होंने पूरी स्ट्रगल की थी इंडिपेंडेंस के लिए आज़ादी के लिए जिस तरह कायदे आज़म ने की थी. अगर कायदे आज़म रह जाते पाकिस्तान में तो उन्होंने कभी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देना था क्योंकि वो खुददार इंसान थे और उनकी पॉलिसी भी खुददार होनी थी. हमारे में जो डिपेंडेंसी सिंड्रम आ गया हमने एड के ऊपर रिलाय किया हमने अपने पैर पे नहीं खड़े हुए और वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने थोड़ी सी कोशिश की उसको फारग कर दिया. उसके खिलाफ भी पूरी साजिश हुई वहाँ भी साजिश हुई फिर मुदाखलत हुई और उसको हमने फारग कर दिया. उसके बाद कभी भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं हुई. तो पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं हमेशा एंटी इंपीरियलिस्ट था क्योंकि मैं तो वो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी था जिसको माँ बाप ने बताया था तुम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ और आज़ादी को वैल्यू करो. दूसरी चीज़ आपने ये बात की कि जो इमर्जिंग सिचुएशन है दुनिया में देखिए पाकिस्तान की पोजीशन एक ही होनी चाहिए. हमें कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. हिंदुस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना. उनकी खुददार पॉलिसी रही उनकी रिस्पेक्ट थी दुनिया में रही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी. हमने जो ये जो आखिर में ये जो वॉर ऑन टेरर में हमने आपकी जो अपने जो जिल्लत कमाई है लोग भी मरवाए मुल्क को भी नुकसान करवाया और जिल्लत भी मिली. पाकिस्तानी के हरे पासपोर्ट से पूछे बैरून पाकिस्तानी अलग लाइनों में खड़े करते थे. हमें मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड कर दिया. हमारा कसूर यह था कि हम हुक्म मिला और हम उनकी जंग में शिरकत कर गए. मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जिस तरह अगर हिंदुस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है. वो रूस से तेल ले रहे हैं इंडिया इंग्लैंड अमेरिकन एलाय हैं वो स्ट्रेटिजिक एलाय हैं उसके बावजूद वो अपने मुल्क के लिए तेल है. हमें इजाज़त नहीं दी इन्होंने और ये जो पुतला हुकूमत आई है इन्होंने वही करना है जो इनको हुक्म मिलना है इम्पोर्टेड हुकूमत ने. लिहाजा मेरी फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर थी हमें सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और ये हो जाना था. मैं आपको बताऊँ एक
अमरीकनों को तो आदत ही नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी खुददार पॉलिसी होगा, उन्होंने तो जब उन्हें हुक्म दिया रूस का दौरा कैंसिल करो, तो उनको तो आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान कैंसिल नहीं करेगा। उन्होंने जब बेसिस का उन्होंने जब प्रोब कर रहे थे, उन्होंने कहा जो हुक्म करे। सो उनको भी ये जो न्यू नॉर्मल, इसको उन्होंने एडजस्ट हो जाना था। उन्होंने ये पुतले आ गए हैं ऊपर और ये अब वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा अपने इंटरेस्ट के खिलाफ। खान साहब, जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग की बात की, पाकिस्तान का ऑब्वियसली परसेप्शन उतना पॉजिटिव नहीं है जितना होना चाहिए था। वी आर नॉट बैड पीपल, इट्स जस्ट वी बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री बाय चॉइस और इधर बाय समवन एल्सस चॉइस। बहुत सारे मुल्कों की हम मिसालें देखते हैं, वो अपनी सॉफ्ट पावर यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया का बॉलीवुड है, वो एक कल्चरल फिनोमेना तो है। हम देखते हैं जस्टिन ट्रूडो भी भंगड़ा कर रहा होता है क्योंकि उसके एक सॉफ्ट पावर उन्होंने उस पर वर्किंग की है काफ़ी। 1938 में थाईलैंड के किंग ने उनकी अपनी हुकूमत का उनका एक प्रोग्राम था जहाँ पे उन्होंने थाई शेफ्स प्रिपेयर किए, तीन किस्म के, एक बहुत फाइन डाइनिंग के, एक मिड टियर और एक बिल्कुल स्ट्रीट फूड, और उन्होंने दुनिया भर में अपने शेफ्स फैला दिए। आपको अगर स्ट्रीट फूड खाना है आपको न्यूयॉर्क में भी मिलेगा, आपको फाइन डाइन करना है लंदन में भी मिलेगा। तो उससे लोगों में परसेप्शन, एक थर्स्ट पैदा हुई कि यार अगर थाई फूड लंदन में इतना अच्छा मिल रहा है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, तो थाईलैंड में कितना अच्छा होता होगा। और उसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि थाईलैंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है खाली टूरिज्म की मद में कमाता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ इस तरह की पॉलिसीज पे काम होता ही नहीं। मैंगो डिप्लोमेसी हम इतनी ज़बरदस्त कर सकते हैं पूरी दुनिया में, बहुत डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ सोचते नहीं हैं। एक इंटरनल सॉफ्ट पावर होती है, जैसे बांग्लादेश ने जो है सीड प्लांट की अपनी आवाम में, उन्होंने अपना सिक्का जो जारी किया जो उनके करेंसी का था, उसमें उन्होंने जो इमेजरी यूज़ की, उन्होंने दिखाया एक माँ है, एक बाप है और दो बच्चे हैं, और सिक्का हर गरीब आदमी की जेब में जाता है, तो उनके एक मेंटल मैपिंग हुई कि दो बच्चे करने, तो उन्होंने पॉपुलेशन मैनेजमेंट वहाँ से करना शुरू की, जिसका रिजल्ट आज काफ़ी हम हद तक देखते हैं। दूसरा, 2000 की दिहाई में उन्होंने एक और सिक्का जारी किया जिसमें एक बच्चा और एक लड़की दोनों बैठे हैं और दोनों के हाथ में किताब है। सो उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया कि दोनों को पढ़ाना है, जिसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश में ख्वातीन जो हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ में, और अभी श्रीलंका के जो क्राइसिस हुए सारी इंडस्ट्री मूव होकर बांग्लादेश चली गई, हमारे मुल्क से बहुत गई है। तो ख्वातीन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे मुल्क में 51% ख्वातीन हैं और काफ़ी हद तक मार्जिनलाइज्ड हैं, फ्रीडम उनको इतना नहीं मिलता। हम एक बहुत बड़ा रिसोर्स ज़ाया कर रहे हैं इस तरह से, चाहे वो पॉलिसीज़ हों चाहे वो हमारी अपनी ज़ाती सोच हो। तो इन चीज़ों पे हम क्या काम कर सकते हैं जो कि आने वाले 20-25 सालों में हमें इसका फ्रूट हासिल हो? देखिए, पहले तो ये जो सॉफ्ट पावर है ना, मैं इसका कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। ये सॉफ्ट पावर की हम बार बार, पहली दफ़ा हमने मुशर्रफ के दौर में सुनी थी सॉफ्ट पावर, और वो होता ये था कि बाहर से जब डेलीगेशन आते थे तो हम फैशन शोज़ उनके सामने कर देते थे कि जी ये हमारी सॉफ्ट पावर है। या फिर वो एक दफ़ा शौक अज़ीज़ गया कि जॉर्डन, तो मुझे किसी दोस्त का टेलीफोन आया, कहता पाकिस्तान गया हुआ जॉर्डन और अपने साथ ट्रूप लेके गया मॉडल्स की जो कि वहाँ कैटवॉक पे चढ़े हुए, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान सा और इनलाइटेंड मॉडरेशन। ये भी एक मजाक था जिसकी किसी को आज तक समझ नहीं है कि वो मतलब क्या उसका। ये होती है जब आप एहसास कमतरी हो तो आप लोगों को खुश करने के लिए बताते हैं कि जी हम भी आप ही की तरह हैं, यानी अगर आप फैशन शोज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इससे कभी किसी मुल्क को इज्जत नहीं मिली। हिंदुस्तान को आपने पहले नाम लिया, हिंदुस्तान को इज्जत इसलिए मिली कि उन्होंने अपनी इज्जत करवाई। कभी मजाल है हिंदुस्तान में खड़े होकर यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स हिंदुस्तान को कहेंगे जी आप यूक्रेन के ऊपर कंडेम करें रशिया को? किसी की जरूरत है करने की? क्योंकि उनको रिएक्शन आएगा हिंदुस्तान से। उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोग अलाइंड हैं, वो अपनी जो सॉवरेंटी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं वो। हमने ये अपने ये आखिरी 30 सालों में ख़ास तौर पर रमजी यूस वो जो एमल कांसी का, उसको हमने अमरीकनों को पकड़ा दिया। उसके वकील ने, जब जज ने पूछा कि ये तो कोई कानून कार्रवाई के बगैर आपने पकड़ के इसको ले आए, किडनैप करके लेके आए हैं, उसके वकील ने जज को कहा कि किडनैप करके लेके आए हैं। तो जज ने पूछा उससे, फिर उसने दोनों वकीलों से, उसने कहा क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की? तो उस वकील ने वहां कहा एमल कांसी के पाकिस्तानी अपनी मां भी बेच दे पैसे के पीछे, डॉलर्स के पीछे। सो जब आप अपनी इज्जत नहीं करवाते
ये ना एक्सपेक्ट करें दुनिया इज्जत करेगी। जब आप ग्वांटानामो में पकड़ पकड़ के पैसे लेके यहाँ से लोग पकड़ा के उनको दे रहे हैं और वो यहाँ आके FBI फिर रही है और CIA कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़ के लोग लेके कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के दो लोग मार देता है मजांग के अंदर और हम सारा डर के पकड़ा देते हैं अमरीकनों के हाथ, उसको कानून कार्रवाई नहीं करते तो दुनिया इज्जत नहीं करती। पहली चीज़ अपनी इज्जत करवाएं। आपने दुनिया से इज्जत करवानी है पहले अपनी इज्जत खुद करें और वो तो शुरू होती है एक इंडिपेंडेंट खुददार फॉरेन पॉलिसी से। और कौम तब खड़ी होती है, देखिए आपने अगर हम कब से भीख मांगते फिर रहे हैं, कब से कर्जे लेते फिर रहे हैं, कब से एड पर डलाई कर रहे हैं, जब वो सऊदी अरेबिया हमारा जो जाता है प्राइम मिनिस्टर सारी कौम इंतजार जी क्या पैसा लेके आएगा, जिधर वो आया जी चाइना से मैं जब बना मुझे इतनी एम्बेरसिंग होता था कि हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट था, मुझे पैसे मांगने पड़ते थे कर्जों के पीछे, ये सऊदी अरेबिया UAE चाइना से। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 3.5 साल में जो मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आई वो तब आई जब मुझे इनसे पैसे मांगने पड़ते थे। क्यों नहीं हमने कभी फैसला किया कि हम अपने, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिस वक्त हम कौम बन गए यहाँ इतना पैसा है ना, यहाँ पैसे की कमी है, इस मुल्क के अंदर रिसोर्सेज की कमी नहीं। अभी आपने टूरिज्म की बात की, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो पाकिस्तान में टूरिज्म पोटेंशियल है शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में। हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म, हमारे पास दुनिया में यूनिक माउंटेन टूरिज्म, स्कीइंग पाकिस्तान में यूनिक है, हमारे ये जो कोस्टल बेल्ट है सारी ऐसी वहाँ कोस्टल बेल्ट के ऊपर बीचेस हैं जो मैंने कहीं दुनिया में भी नहीं देखी है, एमरल्ड पानी है वहाँ, लेकिन कभी किसी ने सोचा ही नहीं ये अनटैप्ड है हमारा मुल्क। क्यों वजह है, जब आप दूसरे से भीख मांगने के और कर्जे लेके गुजारे करें और आप सारों के घर हों, छुट्टियाँ आपकी लंदन में हों, आपके बड़े बड़े महलात वहाँ हों, बिजनेसेस वहाँ हों, आपको क्या पता कि पाकिस्तान में क्या है। मेरा बिलीफ ये है कि ये जो सॉफ्ट पावर तब आएगी हम पहले अपनी इज्जत करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें। नुसरत फ़तेह अली ख़ान हमारा सॉफ्ट पावर इसलिए थी क्योंकि वो कोई वो उस पर पाकिस्तानियत थी, वो एक अपना कल्चर का हम प्रोजेक्ट कर रहे थे। हम करते क्या है कि या फैशन शोज करो ना तीते रहते हैं ना बटे रहते हैं और इससे रिस्पेक्ट ही मिलती है। हम सब कमिंग बैक टू द लोकल पॉलिटिक्स, एक सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में चलता रहा है कि खान साहब का बुज़दार साहब के साथ क्या ख़ास मोहब्बत का रिश्ता है कि बहुत दफ़ा हुआ कि नो वो जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत से लोकल पार्टीज चाहती थी कि वो चले जाएं, उससे पहले लाइक बहुत से लोग उनको जानते भी नहीं थे। सो व्हाट वाज लाइक योर रिलेशनशिप? देखिए हमारा असल हुआ क्या, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाह महमूद जीतेंगे इलेक्शन और वो फिर बनेंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर। वो इलेक्शन हार गए, जब वो इलेक्शन हार गए तो हमारे पास उस वक्त चॉइस ये थी कि हम अलीम खान को बनाते थे, अलीम खान के ऊपर करप्शन केस हो गया नैब में, तो हमने उस्मान को मैंने इसलिए चूज़ किया एक कि उसकी टोटल लॉयल्टी थी। जब मैंने उस्मान को कहना था कि अगर हम किसी और को रिप्लेस करना चाहते तो वो तैयार थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने आराम से अपना इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा इशू, दूसरी वजह जिसको मैंने और किसी को नहीं चूज़ किया उस्मान को, उस्मान सबसे गरीब जो इलाका है पंजाब का DG खान के ट्राइबल एरिया से थे, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं। उनकी मुझे जो सबसे चीज़ ये थी कि उनको पता था कि आम आदमी मुश्किलों में गुजारा कैसे करता है। मेरी जो सारी मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने लोगों को गुरबत से निकालना है। तो उस्मान के दौर में जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स आए और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस हर ख़ानदान को देने का फ़ैसला किया, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये मेरे नहीं ख्याल में कि और किसी ने माना था। उस्मान को इमीजिएटली समझ आ गई कि गरीब आदमी अगर उसके ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो और किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। ये याद रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिधर कोई गरीब आदमी सोच भी सकता है घुसने का, आज वो जाके अपना इलाज करवा सकता है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मैंने 2 तो जानता हूँ जिन्होंने जाके हार्ट के ऑपरेशन करवाए हैं, जो बेचारा गरीब आदमी घुस भी नहीं सकता, एक ड्राइवर ने जाके करवाया। तो ये जो उसकी थी ना कि जो उसकी एम्पथी थी, उसकी जो उसके अंदर जो इंसानियत थी, वो मुझे बड़ा अपील किया।
कि मैंने, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू किया तो मैंने उसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, वो कहता है जी लोगों को बुनियादी चीज़ें ज़रूरत, पानी मिल जाए लोगों को, साफ़ पानी, लोगों के पास बिजली पहुंच जाए, और फिर हॉस्पिटल हो, यानी जब एक तकलीफ़ में इंसान होता है, देखें जब तकलीफ़ में होता है ना इंसान, एक घर में बीमारी हो गई और आपके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, वो बेबसी वो सिर्फ वो जानते हैं जो गुजरे हो, तो मुझे उसकी बड़ी ये चीज़ें पसंद आई और मैं समझता हूँ कि उसने बड़ा अच्छा काम किया उस्मान ने। सर यूथ के बारे में मैं एक सवाल करना चाहूँगा, पर्टिकुलरली रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें वो था कि यू नो यूथ इज इल इन्फॉर्म्ड, फिर साथ कल मालिक साहब एक एंकर उन्होंने भी ये बात बोली कि यूथ जो है वो शायद इन्फॉर्म्ड है लेकिन पॉलिटिकली वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है। आई फील लाइक ये बड़ा यू नो 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ राइट नाउ पाकिस्तान में, मैं देख रहा था कि अगर मैं 18 से 30 की उम्र निकालूं तो जो आपका वोट बैंक है उसमें 44% वोट जो है वो इस पॉपुलेशन का, एसेंशियली अगले इलेक्शन ये डिफाइन कर सकते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये बड़ा डैमेजिंग है यू नो नौजवानों के लिए कि यार हम मतलब हमारी कैपेबिलिटी कोई नहीं है, हम जो कर रहे हैं जो सोच रहे हैं वो इररिलेवेंट है। और इसी के साथ साथ तो पूछना मैं ये चाहूँगा, पर पहले तो ये कि हाउ डू यू सी द यूथ, एंड दूसरा आपकी करंट गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि यूथ, इवन दो यू केम इन फ्रॉम द वेव ऑफ द यूथ, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, वो यूथ को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो कि हम चाहते थे कि यार शायद हमें हमारी बात सुनने की सुनी जाएगी। शायद एक तो एमएनएस में ज़्यादा अमाउंट यूथ की होगी, बट चले एमएनएस ना भी हो उसके बाद फिर आके यूथ को उठाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा क्या सही क्या गलत क्या करना चाहिए, लेकिन हम जाते भी थे तो हमें जो है ना वो बच्चे कह के साइड पर कर दिया जाता था कि यार ये तो बच्चे इनको क्या पता, 10 साल की एक्सपीरियंस 15 साल की डिग्री, यू नो दुनिया बड़ी बदल चुकी है अब आजकल, नए नौजवान जो है वो बड़े इनोवेटिव हैं, वो डिसरप्टिव हैं, हम कहते हैं हमने डिसरप्शन करनी है, लेकिन अगर हम यूथ का वेट करते रहेंगे कि वो जब 50 के होंगे तभी डिसरप्टिव होंगे तो वो तो दे लूज दे रहे हैं। देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें, आपने ये कहा कि किसी ने ये कहा कि जो यूथ को समझ नहीं है या यूथ बड़ी इल इन्फॉर्म्ड है, ये बड़ी एक कॉन्डिसेंडिंग एक बड़ा एक गलत व्यू है। यूथ के अंदर जो चीज़ होती है वो पैशन होता है, जुनून होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है तो आप ज़्यादा रियलिज्म पे आ जाते हैं कि जी ये तो ज़मीनी हकायक पे आ जाते हैं और आप में वो जो जुनून और जो ख्वाब देखना है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी में जब मार खा के इंसान उस तरफ पहुंच जाता है, मैं हमेशा समझता हूँ कि असल में इंसान बूढ़ा तब होता है जब उसमें जुनून ख़त्म हो जाता है, जब उसको ख्वाब देखना ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूथ की ये पावर होती है कि वो ब्लैक एंड वाइट में देखता है, अच्छे बुरे में देखता है, और यूथ अमूमन रेवोल्यूशंस जो आई हैं वो हमेशा यूथ लेड होती हैं, कभी मेरी तरह के बूढ़े रेवोल्यूशन ही लीड करते, यूथ आती है सामने और यूथ उनके और फोर फ्रंट पे होती है रेवोल्यूशन के, क्योंकि वो उनमें पैशन, वो एक यूटोपिया देख रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, ये इनफॉर्म नहीं होते, ये आइडियलिज्म होती है और ये बहुत ज़रूरी होती है मुल्क में चेंज लाने की। अगर आपने ये पुराने सिस्टम जो कि पिटा हुआ सिस्टम जिसने मुल्क को यहाँ मक्रूज करके और ये जो कहता है ना लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखा हुआ है और ये कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो ये किसने किया था? यही लोग हैं 30 साल से जो बारियाँ ले रहे हैं, इन्होंने तो यहाँ तक पहुँचाया है, तो इनको जब हटाएगा तो वो एक यूथ का जुनून हटाएगा, जो मेरा ईमान है कि ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे इस आने वाले इलेक्शन में, ये जो पुराने लोग हैं और इनको यूथ इनको हटाएगा। और ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा एक यंग पॉपुलेशन है जिसमें ये एक जुनून है और चेंज का। जहाँ तक आप बात करें क्या आपको मिनिस्टर बना देने चाहिए यूथ के, क्योंकि वो एक आपकी यूथ की पार्टी है, आपको मिनिस्टर वो आदमी बनाना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी हो वो मिनिस्ट्री चलाने के लिए, क्योंकि इवेंचुअली आपने गवर्नेंस देनी है। गवर्नेंस तब देंगे जब कैपेबल लोग आपके ऊपर बैठे हुए हो, वो अगर यूथ है, आप मुराद सईद है, उसको हमने 2 मिनिस्ट्रियां दी हुई थी और उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन अगर हमें और कोई मिल जाता तो उसको भी हम ऊपर ले आते, तो वो डिपेंड कर, वो मिनिस्टर आपका मेरिट पर आना चाहिए चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो। हाँ साहब, यूथ की बात की आप, अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैं कराची में एक 15 साल के बच्चे से मेरा इंटरव्यू है जिसने ब्लॉकचेन और NFT नॉन फंजिबल टोकन्स की टेक्नोलॉजी की मदद में 1 करोड़ रुपए कमाया है, मगर वो 15 साल का बच्चा बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है इस मुल्क में। तो पॉइंट इज़ यहाँ पे 15 साल के बच्चों का ये पोटेंशियल है, मगर उनकी किस्मत का पेन जिसके हाथ में, वो साहब जो है टाइपराइटर पे ट्रेन हुए थे, विच इज़ फाइन, नॉट बीइंग एजिस्ट, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। मगर मेरा जो अभी तक का थीसिस है वो ये है कि जो एक थॉट बैठी हुई ना टेबल के उस पार,
वो अपनी ईगो में फंस गई है कि ये 15 साल का बच्चा हमें क्या बताएगा. और ये एटीट्यूड जो है ना यूथ को ड्राइव कर रहा है, उन्होंने दबा के डाउनलोड किए हुए फॉर्म कनाडा के इमिग्रेशन के. और वो आपसे ये अगला सवाल भी मेरा ये था कि बच्चे पूछ रहे हैं भर लें या रुक जाएं अभी थोड़ा सा. तो इसको फिर हम कैसे टैकल करें, ये ब्रेन ड्रेन जो इतना होने जा रहा है. और आप माशाल्लाह आपने इतना ट्रैवल किया, आपने दुनिया भर फंड रेजिंग की है, मेरी आपके मुकाबले में बहुत लिमिटेड ट्रैवलिंग है, लेकिन मैं जितने पाकिस्तानियों से मिला हूँ दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क. एक बच्चा, मेरी एक वीडियो मैंने कोई बनाई थी कि कुछ जर्मनी में कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, उन्होंने समझाया था किस तरह आप वीज़ा लेके आ सकते हो. कोयटा के आउटस्कर्ट्स में एक बंदे ने, वो कोयटा मामू के घर आया, नेट से वो वीडियो देखी, 2 साल बाद वो वहाँ पहुँचा. अब वो रॉजर फेडरर का वो जो है उसका स्पोर्ट्स फिजिसिस्ट है, फिजिशियन है, स्पोर्ट्स फिजिशियन, उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक कर रहा है. फुटबॉलर बायर्न म्यूनिख के जो फुटबॉलर हैं वो उसके उसमें आ रहे हैं. मतलब क्या उसके, मतलब क्या वो कह रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था. ही वॉन्ट्स टू कम बैक एंड गिव बैक टू द कंट्री, लेकिन वो कहाँ जाए. तो इस तरह का हम बेहतरीन जो टैलेंट है वो तेज़ी से जा रहा है, और फिगर्स आपके सामने भी होंगे कितने ओवरसीज पाकिस्तानी बढ़ते जा रहे हैं. मुझे तो लगता है कि हमने, हमारी पॉलिसी है कि सबको ओवरसीज भेज दो ताकि फिर रेमिटेंस है और हमारा मुल्क चले. देखें दो चीज़ें, एक कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर हमारा सबसे अच्छा टैलेंट चला गया है, कोई शक नहीं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा, मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी से इंटरेक्शन है, और इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एंटी मेरिटोक्रेसी है, रोकती है मेरिट को. और अक्रॉस द बोर्ड मैं आपको सिर्फ, आप तो सिर्फ, मैं तो स्पोर्ट्स की भी बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर जो सारा सेटअप बना हुआ है वो है ही मेरिट के अगेंस्ट. उसके अंदर यानी डिस्पाइट द सिस्टम तो शायद कोई ऊपर आ जाए, वो सिस्टम ऊपर नहीं लेके आता. और वो हर फील्ड में है, मैंने जो गवर्नमेंट के अंदर भी देखी, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सिस्टम्स बन चुके हैं वो अंदर आने नहीं देते लोगों को. हमने कोशिश की 2-3 दफ़ा बाहर से पाकिस्तानियों को, हमने बड़े वो एंथुजियास्टिक किया है, लेकिन वो सिस्टम उनको फंक्शन नहीं करने दे रहा था. मैंने देखा कि वो हर जगह उनको डिस्टर्ब करता था. सो जो जंग है ना जी, मैं आप फिर से वापस आता हूँ, वो है रूल ऑफ लॉ की. रूल ऑफ लॉ जो है ना वो क्रिटिकल है एक माशरे की सक्सेस में. रूल ऑफ लॉ का दूसरा हिस्सा मेरिट है. एक रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है कि सब कानून के नीचे आ जाए, दूसरा उसका है मेरिटोक्रेसी. जब रूल ऑफ लॉ होता है तो मेरिट आ जाती है. और जिधर आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात की, बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो यहाँ क्योंकि सिस्टम उनको रोकता है वो बाहर चले जाते हैं. और बाहर क्योंकि उनमें पैशन होता है, उनके अंदर सलाहियत होती है, वो जब सिस्टम लेवल प्लेइंग फील्ड देता है वो ऊपर आ जाते हैं और आउटस्टैंडिंग पाकिस्तानी बाहर बैठे. लेकिन एक चीज़ याद रखें, जितना भी कामयाब हो जाए बाहर पाकिस्तानी, आखिर में वो वहाँ का कभी भी उसको वो इज्जत या उसका मुकाम नहीं हो सकता जो अपने मुल्क में होता है. मैं 20-30 साल बाहर अपनी ज़िंदगी, क्रिकेट भी खेलता था, जानता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं फील किया, हालांकि मुझे उन्होंने बड़ा, उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं और बड़ा वेलकम भी किया, और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा. क्योंकि मैं पाकिस्तानी था, जो मर्ज़ी मैं कर लूँ मैं अंग्रेज़ तो बन नहीं सकता. आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है. तो इसलिए जो जितने भी हमारे बाहर पाकिस्तानी हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि एक हमारा मुल्क ऐसा बने जिधर मेरिटोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ आ जाए, जो जिसके लिए स्ट्रगल करनी, ओवरनाइट नहीं हो सकता. ये कोई भी माशरा एक बटन दबा के चेंज नहीं होता. एक माशरा स्ट्रगल करता है अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि स्टेटस को बैठा होता है, माफियाज बैठे होते हैं जो रोकते हैं, जो एक करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं. तो एक माशरा स्ट्रगल करता है, जदोजहद करता है, जहाद करता है. लेकिन जब पाकिस्तान, जैसे जैसे ये चेंज आएगा, बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तानी वापस आएगा. Right, we're at the 1 hour 30 minute mark almost, or we're going to wrap this up as well. मैं चाहूँगा कि तरह जो है वो लास्ट क्वेश्चन पूछ लें. पिछले 3 साल का कोई रिग्रेट है आपका? देखिए, इस एक तो ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आप पहली दफ़ा आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आई है और आपने चेंजेस करने हैं और आपने रिफॉर्म्स करना है, और वो आपके पास इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है जो एक कोलिशन में माइनर, थोड़ी सी आपकी मजॉरिटी है,
वो उसका उसमें रिफॉर्म्स करना बड़ा मुश्किल था. तो मैंने पहले तो रिग्रेट ये है कि मुझे इमीजिएटली इलेक्शंस पे चले जाना चाहिए था, और मुझे अगर क्लियर मेजॉरिटी ना मिलती तो मैं ऑपोजिशन में बैठता. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मैंने सीखा है 3.5 साल में, यानी मैंने वो चीज़ें सीखी हैं जो मैं अब पीछे देखता हूँ, तो अगर अब अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मुझे पहले से ही पता होगा कि मैंने आते साथ ही, क्योंकि जब आप आते हैं वो टाइम होता है आप मैक्सिमम चेंजेस कर दें. तो मैं मुझे अब पता है कि मैंने क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि वो अगर आप शुरू में चेंजेस नहीं करते बाद में नहीं हो सकते. तो जब आपकी मैक्सिमम ताकत होती है तब वो मेन चेंजेस करें. तो वो तो मैंने प्रायोरिटाइज भी कर लिया. और फिर दूसरी चीज़ के पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी की जगह हैं किस किसने उनके ऊपर आके बैठना है. वो हम पहले पावर में, पहले तो खैर हमारी गवर्नमेंट या कुछ 2-3 दिन पहले पावर से पूरे नंबर्स पूरे हुए. जब नंबर्स पूरे हुए तो पहले जब गवर्नमेंट आई तो तब हमें प्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हुई कि एक इदारों में क्या सिचुएशन है. तो वो फायर फाइटिंग ही उस वक्त हो रही थी. आपके पास प्लानिंग ही हो सकती है. इस वक्त इंशाल्लाह प्लान करके आएंगे और पता होगा कि करना क्या है. लोगों को भी पहले से आइडेंटिफाई करेंगे कि की जगह के ऊपर कौन से लोग बैठे हैं. ये और रिग्रेट मेरा सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जो 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 हम कर भी सकते थे, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स और जो माफियाज थे, हालांकि हमने बड़ी ज़मीनें छुड़वाई, कब्ज़े ग्रुप्स से पकड़ा, गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर ये पॉलिटिशियंस ने कब्ज़े किए हुए थे वो सारे छुड़वाए. लेकिन हमने जिस तरह हमें जो हमारे पास FIA भी थी और एंटी करप्शन भी थी और FBR भी थी, हम और ज़्यादा कर सकते थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें रेजिस्टेंस अंदर से बड़ी आई. यानी जो हमारी, हमें पता नहीं था कि कई लोग इनके साथ अंदर से मिले हुए थे तो वो गो स्लो कर देते थे. हम उस तरह का जो इत्तेसाब करना चाहते थे, जो हम नैब तो हमारे हाथ में नहीं थी, अदलिया हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन जो हमारे हाथ में भी था उन इदारों को आहिस्ता आहिस्ता हमें जब समझ आई तो वो आखिरी 1 साल के अंदर पूरी तरह समझ आई. तो अब इंशाल्लाह कभी भी मौका मिले तो आते साथ ही करेंगे. और PDM के लिए कोई लास्ट मैसेज? देखिए PDM तो एक सिर्फ एंटी इमरान अलायंस है. इनका तो कोई ना कोई नज़रिया है ना कुछ है. इनकी सिर्फ एक चीज़ है, क्योंकि सबके ऊपर ज़्यादातर ये ज़मानत पे हैं, करप्शन के केसेस हैं, और इनकी सिर्फ एक किसी कोशिश ये होगी कि किसी तरह इमरान खान और PTI को ये कामयाब ना होने दें, क्योंकि हम कामयाब होते हैं तो इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए ये एक अननेचुरल सी अलायंस है जो पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव अलायंस है. सिर्फ ये कि एक आदमी के डर से और पार्टी के डर से ये सब इकट्ठे हैं. राइट सर, मैं बस एक सवाल आपसे पूछूंगा, जनरली मैं सब गेस्ट से पूछता हूँ. आई वॉन्ट टू चैनल इमरान खान द ह्यूमन, नॉट इमरान खान द पॉलिटिशियन. आपकी ज़ाहिर एक जर्नी रही है, क्रिकेट के करियर में आपकी एक जर्नी थी, उसके बाद फिर एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड देन एज अ पॉलिटिशियन. अभी 2023 चल रहा है, आज से 27 साल बाद 2050 का पाकिस्तान होगा, ऑलमोस्ट 103 साल का पाकिस्तान हो चुका होगा. हाउ डू यू सी पाकिस्तान 30 ईयर्स फ्राम नाउ इन 2050, यू नो, नोइंग वॉट यू नो नाउ एंड सींग ऑल ऑफ दैट यू सीन, हाउ डू यू प्रिडिक्ट के No matter what happens, what is Pakistan going to look like 30 years from now? देखिए मुजम्मल, आप नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह, दो रास्ते, एक है सीधा रास्ता जो इंसान की अज़मत का रास्ता है, और दूसरा एक तबाही का रास्ता, उसमें पोटेंशियल की भी इंसान की तबाही का रास्ता है. दो रास्ते हैं कुरान में. आप सिर्फ नमाज में एक अल्लाह से ही सिर्फ मांगते हैं कि मुझे उस रास्ते पर लगा. कौम के भी दो रास्ते होते हैं सामने, क्योंकि इंसानों की कौम बनती है ना. तो हमारे सामने भी दो रास्ते हैं. या हम अब इस, ये जो सारा जो साजिश हुई है और ये जो सारी हमें एक ग़ुलाम बाहर की मुदाखलत से इम्पोज़ की गई है, चोरों की हुकूमत, तो या तो ये चलेगी और इसके बाद एक तबाही का रास्ता है, और या इसको फाइट करेगी कौम और फिर वो एक वो रास्ता इख्तियार करेगी जो कि आज़ादी का रास्ता है और मुश्किल रास्ता है. ये जो ग़ुलामी का रास्ता है ये लगता आसान है, अट्रैक्टिव लगता है कि जी आपको पैसे भी मिल जाएंगे, थोड़ी एड भी मिल जाएगी, आपको लाइफ सपोर्ट मशीन में भी थोड़ी चीज़ पंप हो जाएगी कि आप आगे चलते जाएं, फिर थोड़ी देर के बाद आप भीख मांगें. ज़िल्लत का रास्ता है. दूसरा है खुददारी का और आज़ादी का रास्ता, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता. जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना जी, ये पूरा एक फ़लसफ़ा है, ये आइडियोलॉजी है कि सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना. एक गैरत का रास्ता है, खुददारी का रास्ता है, और इंसान की अजमत का रास्ता है. क्योंकि फिर इंसान जब अपने पैर पे खड़ा होता है और अल्लाह पे रिलाय करता है, हमेशा वो कौम ऊपर जाती है.
جو مدینہ کی ریاست تھی وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, اور وہ ان کی سنت تھی کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا ایک عظیم سولیزیشن کھڑا ہوا تھا. وہ کیا کیسے دو سپر پاورز تھی, تو کیا ان کو کبھی کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی سے ایڈ لے کے جاؤ گے جی پیسے مانگو, بلکہ انہوں نے ان کو اناؤنس کیا کہ ہم میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر فالو کرو گے تو آپ کی بہتری کے لیے. 10-12 سال کے اندر اندر وہ دونوں گھٹنے ٹیک گئے ان کے سامنے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو وہ پرنسپلس انہوں نے سیٹ کیے تھے, جس کا مین پرنسپل لا الہ الا اللہ ہے, کہ انسان اللہ کے سامنے کسی کے سامنے اس کے علاوہ نہیں جھکتا. یہ جو اس وقت ہمارے پاس فیز ہے, ہمارے پاس بھی اب دو راستے ہیں, ایک ہے غلامی کا اور ذلت کا راستہ, ایک ہے آزادی کا راستہ اور جدوجہد کا راستہ ہے. مشکل راستہ ہے لیکن وہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہے. تو آپ نے جب میرے سے پوچھا نا پاکستان کدھر جائے گا, ہمارے اوپر چوائس چھوڑ دیتا ہے اللہ. ہر وقت ہمارے پاس کیوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ہر روز ہمیں چوائس کرنی پڑتی ہے 2 راستوں کے بیچ میں, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, نیوٹرل کوئی راستہ نہیں ہے, یا یہ راستہ ہے یا وہ راستہ ہے. تو مجھے ویسے اگر آپ میرے سے میری انسٹنکٹ کو پوچھیں, میری انسٹنکٹ یہ ہے کہ یہ قوم اب وہ اس راستے پہ جانے لگی ہے جو ہمیں 70 سال پہلے نکل جانا چاہیے تھا, وہ ہماری عظمت کا راستہ ہے. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو اینڈ فار آل آف دی گیسٹس تھینک یو کو ہوسٹ ایز ویل تھینک یو جی جو لوگ دیکھ رہے ہیں تھینک یو سو مچ فار واچنگ بڑے ٹربیولنٹ ٹائمز آنے والے ہیں آئی ہوپ اپنا خیال رکھ سکیں آپ سب لوگ اینڈ یو نو ول سی یو